वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आपने रैंडम वेरिएबल पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने पढ़ा इस यूनिट में, दैट इज रैंडम प्रोसेस। हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस का फंक्शन है। अब अगर आप उसको टाइम का भी फंक्शन बना दें, अगर आप उसको टाइम डिस्क्रिप्शन दे दें, तब जो सिग्नल बनेगा दैट इज रैंडम सिग्नल और रैंडम प्रोसेस। तो आपने रैंडम प्रोसेस की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली हैं, उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपने ये देखा कि अगर हमें किसी नॉइज सोर्स की स्टडी करनी है, तो या तो आपके पास दो पॉसिबल केसेस हैं कि आप एक ही नॉइज सोर्स लीजिए, उसके डिफरेंट डेज की रीडिंग्स को नोट कीजिए, उसके बीच में फुल कोरिलेट कीजिए, या फिर एक साथ आप बहुत सारे नॉइज सोर्सेज ले लीजिए। तो चाहे आप एक नॉइज सोर्स डिफरेंट डेज की रीडिंग लें, उन सभी अलग अलग रीडिंग्स को आपने नाम दिया सैंपल फंक्शन, या फिर आप बहुत सारे नॉइज सोर्स से एक साथ ही रीडिंग लें, तो भी हर नॉइज सोर्स के जो अपनी रीडिंग है उसको आपने नाम दिया सैंपल फंक्शन। तो इन सभी सैंपल फंक्शंस के कलेक्शन को आपने नाम दिया एनसेंबल। ये सभी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी। तो वहां पर हमने दो टाइप के एवरेजेस डिफाइन किए थे। सबसे पहले अगर हमने डिफाइन किया एनसेंबल एवरेज, हमने कहा कि ये नॉर्मल, जैसे आप स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालते हैं, ये वही हमारे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है। तो आपने अगर डिफाइन किया दैट इज एनसेंबल एवरेज ऑफ, सपोज हम कहें एन ऑफ टी वन, मतलब ये क्या था हमारा कि अगर हमारे पास बहुत सारे रीडिंग्स हैं, बहुत सारे सैंपल फंक्शंस हैं, उन सभी सैंपल फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी वन पर वैल्यू का अगर हम एवरेज देखते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं एनसेंबल एवरेज। सभी जितने भी हमारे सैंपल फंक्शन हैं, उन सभी का किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट अगर हमने टी वन ले लिया, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? फर्स्ट सैंपल फंक्शन की वैल्यू टी वन पर, सेकेंड सैंपल फंक्शन की वैल्यू टी वन पर, ऐसे जितने भी हमारे पास सैंपल फंक्शन हैं एनसेंबल में, उन सभी की वैल्यू एट टी इज इक्वल्स टू टी वन, और एवरेज है तो टोटल जितनी रीडिंग्स है हमारे पास उससे हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल एवरेज है, मतलब अगर आपने देखा तो आपने कहा कि ये वैल्यू हमारी, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन ऑफ टी वन लिख सकते हैं। एन ऑफ टी वन अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम प्रोसेस एन ऑफ टी की वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी वन। तो अगर हम इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनसेंबल एवरेज एन टी वन मिल जाएगा। फिर आपने दूसरा एवरेज डिफाइन किया जिसको आपने कहा टाइम एवरेज। तो टाइम एवरेज मतलब जो नॉर्मल टाइम में आप एवरेज अगर देखें, इसके लिए आपने देखा था कि हम एनसेंबल में से किसी एक ही पर्टिकुलर सैंपल फंक्शन को चुनेंगे, उस सैंपल फंक्शन की अगर हमने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक अगर हमने वैल्यूज का एवरेज लिया, तो आपने उसको नाम दिया टाइम एवरेज। तो टाइम एवरेज था हमारे पास, इसको हम अगर डिफाइन करते हैं इस सिंबल से एन ऑफ टी, देन इट इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एन ऑफ टी डी टी। आपने अपने प्रोसेस को जितने टाइम इंटरवल के लिए इंटीग्रेट किया, उसी ड्यूरेशन से डिवाइड किया, वेयर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर आपने पहले टू टी लिखा होगा, तो डेफिनेटली आपने यहाँ माइनस टी टू टी आपने लिमिट्स ली होंगी। तो ये हमारा टाइम एवरेज। फिर जैसे आपने डिफाइन किया ऑटोकोरिलेशन फंक्शन, आपने लिखा आर ऑफ टाउ, आर ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू आपने लिखी वैल्यू, इट इज लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एन ऑफ टी प्लस टाउ। एन टी कहीं हम ऑटोकोरिलेशन अगर देख रहे हैं डी टी। तो यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को अपने इस टाइम एवरेज की इक्वेशन से कंपेयर करें, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये जो प्रोडक्ट है अपने आप में ये कोई प्रोसेस है, तो इस फंक्शन का हम टाइम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब हम इस चीज को कह सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए क्या है, इट इज टाइम एवरेज ऑफ प्रोडक्ट एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ, ठीक है ये चीज। अब अगर आपने एक और टर्म डिफाइन किया था कोवेरियंस, तो अगर आप डिफाइन करें कोवेरियंस, ये जो चीजें हमारे पास एन टी या एन ऑफ टी प्लस टाउ, ये दोनों हम रैंडम वेरिएबल्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रैंडम प्रोसेस की वैल्यू देख रहे हैं, तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो यहां से अगर आपने डिफाइन किया कोवेरियंस ऑफ से एन टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ, तो ये कोवेरियंस, अगर हम कहें कि दोनों के लिए मीन की वैल्यू जीरो है, अगर हम इसके मीन को म्यू टी लिख देते हैं, अगर इसके लिए मीन को हम म्यू ऑफ टी प्लस टाउ लिख देते हैं, तो अगर ये दोनों मीन की वैल्यू जीरो, तो आप जानते हैं कि कोवेरियंस की वैल्यू, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स ऑफ वाई आप लिखते थे अगर एक्स एंड वाई, तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिखते थे, तो यहां पर लिखेंगे हम एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ एंड माइनस इन दोनों के मीन का प्रोडक्ट, दैट इज म्यू टी इंटू म्यू ऑफ टी प्लस टाउ। अब अगर ये दोनों वैल्यू जीरो है, तो ये टर्म हमारा नहीं आएगा। तो मतलब कोवेरियंस की वैल्यू हमारी किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ। अब अभी हमने देखा कि जो भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में लिख रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम एनसेंबल एवरेज ले रहे हैं इस एन ऑफ टी वन का। ऐसे ही आप लिख सकते हैं यहां से कि ये इस प्रोडक्ट का हमें क्या दे रहा है, इट इज एनसेंबल एवरेज, एनसेंबल
एवरेज ऑफ दिस फंक्शन एन टी इंटू एन ऑफ टी प्लस टाउ। तो अब अगर आपने डिफाइन किए कुछ टाइप के रेंडम प्रोसेसेस, जैसे पहले आपने कहा स्टेशनरी रेंडम प्रोसेस, तो सिर्फ स्टेशनरी लिखा है मतलब आप स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रेंडम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो वहां आपने देखा था कि अगर हमारे जितने भी मोमेंट्स आप कहें मीन के अबाउट या फिर आप कहें ओरिजिन के अबाउट, हमारे जितने भी मोमेंट्स होंगे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट हो जिसको आप मीन कहते हैं या सेकंड ऑर्डर मोमेंट हो मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सभी हमारे जो होने चाहिए स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होने चाहिए। और इसके साथ हमारा जो मतलब ये हमने स्ट्रिक्ट सेंस रैंडम इसके लिए देखा रैंडम प्रोसेस के लिए। फिर आपने डिफाइन किया वाइडसन स्टेशनरी प्रोसेस, वहां पर आपने ये डिफाइन किया कि अगर सिर्फ मीन कांस्टेंट हो टाइम से डिपेंडेंट हो और इसके साथ साथ अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इंडिविजुअल इंस्टेंस टी टू टी वन पर डिपेंड नहीं करके सिर्फ उनके डिफरेंस पर डिपेंड करता हो, तो ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हैं वाइडसन स्टेशनरी प्रोसेस। फिर हमने ये देखा कि अगर कोई प्रोसेस एर्गोडिक होगी, तो एर्गोडिक हम तभी कहते हैं किसी प्रोसेस को जब उसका एंसेंबल एवरेज और टाइम एवरेज क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम एर्गोडिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं या वाइडसन स्टेशनरी प्रोसेस की बात करें, तो उस केस में जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू है, यहां से अगर हम देखें ये चीज हमें क्या दे रही है, एंसेंबल एवरेज दे रही है इसी फंक्शन एन टी और एन ऑफ टी प्लस टाउ की, और ये जो हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो हमें टाइम एवरेज दे रहा है इसी फंक्शन का। तो अगर एंसेंबल एवरेज को टाइम एवरेज के हम इक्वेट कर दें, तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज फॉर एर्गोडिक प्रोसेस, एर्गोडिक प्रोसेस आपने ये लिखा था कि अगर हम एंसेंबल एवरेज लिखें तो एंसेंबल एवरेज इज इक्वल्स टू करिस्पॉन्डिंग टाइम एवरेज। तो एंसेंबल एवरेज आपको मिला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन टी एन ऑफ टी प्लस टाउ, और टाइम एवरेज की वैल्यू को आपने डिफाइन किया था आर ऑफ टाउ से, जो वैल्यू थी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एन टी एन ऑफ टी प्लस टाउ डी टी। ठीक है ये चीज़। तो इसलिए अगर आपको आर ऑफ टाउ की वैल्यू देखनी है, तो आप ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एन टी एन ऑफ टी प्लस टाउ, एर्गोडिक के लिए भी और वाइडसन स्टेशनरी के लिए भी, ये सभी चीज़ें आपने देख ली थी। फिर हमने यहाँ डिफाइन किया था कि अगर आप एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखते हैं, तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से, क्योंकि यहाँ जो नॉइस प्रोसेस होंगे वो पावर सिग्नल्स होंगे, आपके इन्फिनिटी ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल हैं जिनकी वैल्यू टी टेंस टू इन्फिनिटी पर भी जीरो नहीं है, तो पावर सिग्नल्स के लिए आपने डिफाइन किया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो आपने लिखा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जी ऑफ एफ से लिखेंगे आप, कहीं कहीं आपको किसी बुक में एस ऑफ एफ से भी लिखा मिल सकता है आपको ये। तो इट इज इक्वल्स टू, हमने डिफाइन किया था कि अगर कोई नॉइस प्रोसेस है, अगर हम किसी नॉइस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पहले अगर हम किसी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल की केस में हमने देखें, तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए सिंपली आप ये लिखते हैं इट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी ऑफ टी वी टी ऑफ एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ये चीज हमने देखी थी, जहां पर इस वी टी ऑफ एफ के होल स्क्वायर को क्या कह सकते हैं हम, इट इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और फिर हमने अगर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी का टर्म ऐड किया, तो ये आपकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है फॉर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, इट इज फॉर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स। नेक्स्ट, अगर इसी में हमने कहा कि अगर रैंडम प्रोसेस है, तो उसके केस में यही चीज एस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, बस आपने इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, तो यही आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी, किसके लिए, फॉर रैंडम प्रोसेस। ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर फिल्टर्ड रैंडम प्रोसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके बाद फिर जो आपने टर्म देखा था वो था क्या हमारा, वाइट नॉइज प्रोसेस। तो आपने डिफाइन किया वाइट नॉइज, वाइट नॉइज, तो आपने वाइट नॉइज डिफाइन किया जिसके लिए पीएसडी कांस्टेंट, आपने उसके लिए अगर ये पीएसडी ड्रॉ की एस एन ऑफ एफ अगर हम कहें, या एस डब्ल्यू ऑफ एफ कह लेते हैं वाइट नॉइज के लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एफ ये वैल्यू कैसी थी हमारी, कॉन्स्टेंट थी। और इसकी वैल्यू को आपने अगर एन नॉट डिवाइडेड बाई टू शो किया, ये बताने के लिए कि पहली चीज़ तो आपने कहा वाइट नॉइज मतलब जिसमें सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो, या आप कहें कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर देखें तो नॉइज इक्वल अमाउंट में हमारे प्रेजेंट है, तो ऐसे नॉइज को आपने नाम दिया वाइट नॉइज। अब जैसे यहाँ पर आपको एन नॉट बाई टू ये बताने के लिए था कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज का भी हाफ कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का भी हाफ कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से आपको इस स्पेक्ट्रम को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो डीसी वैल्यू है उसकी जीरो है, क्योंकि अगर कोई डीसी टर्म होता तो यहाँ पर आपको जीरो फ्रीक्वेंसी पर एक इंपल्स दिखता, लेकिन जीरो फ्रीक्वेंसी पर कोई इंपल्स नहीं है, मतलब आप कहेंगे कि इसकी मीन वैल्यू कितनी है, इस नॉइज प्रोसेस की मीन वैल्यू जीरो है। तो अगर ये हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमारी, तो हमने ये भी देखा था कि इसका इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए आप जानते हैं कॉन्स्टेंट का इन्वर्स
अगर कोई चीज एक डोमेन में कॉन्स्टेंट है तो दूसरे डोमेन में इंपल्स होगी। तो आपने ये डिफाइन किया इसके लिए इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको आपने कहा ऑटोकोरिलेशन फंक्शन आर ऑफ टाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाउ। तो आपको दिखा कि ये वैल्यू सिर्फ ओरिजिन पर ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आपका ये फंक्शन, इसका इनवर्स आपको इंपल्स मिलेगा एट टाउ इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर आप वन एम्पलीट्यूड का इनवर्स लेते हैं तो वन मैग्नीट्यूड कहीं आपको कॉन्स्टेंट मिलता है। तो यहां पर अगर ये एन नॉट बाई टू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां भी इसका एरिया क्या होगा, एन नॉट बाई टू। ये एरिया, इंपल्स का एरिया कितना है, एन नॉट बाई टू। मतलब आप लिख सकते हैं आर ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू टाइम्स डेल ऑफ टाउ। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं इट इज एन नॉट बाई टू फॉर टाउ इज इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज जीरो इफ टाउ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने यहां से ये भी देखा था कि अगर हमारा जो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन है, अगर ये टाउ की वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि ये आर ऑफ टाउ जो हम लिख रहे हैं, ये आर ऑफ टाउ क्या है हमारा, अभी हमने लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन टी एंड एन ऑफ टी प्लस टाउ। और हमने देखा था कि ये चीज हमें कोवेरियंस ऑफ दिस फंक्शन के फॉर्म में भी मिली थी। अगर इनके मीन जीरो हैं तो ये टर्म हमारा इनके इस फंक्शन के कोवेरियंस को हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके आर एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू जीरो है, मतलब अगर आपका, आप कह सकते हैं कोवेरियंस जीरो है, अगर आप टाउ की वैल्यू जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसके लिए हमारी ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू जीरो है। मतलब ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या है, उस टाइम में अनकोरिलेटेड है। और अगर अपने आप में एंटी गॉसियन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनकोरिलेटेड है, मतलब इंडिपेंडेंट भी है। ये सभी चीजें आप देख चुके हैं। तो अब जैसे अगर हम इसी व्हाइट नॉइज के फिल्टर्ड प्रॉपर्टीज को देखें, मतलब हमने ये भी देख लिया था कि अगर हमारे पास ये कोई एलटीआई सिस्टम है, अगर ये हमारा कोई एलटीआई सिस्टम है जिसके लिए अगर ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ ओमेगा से आपने लिखा है, इनपुट की अगर इनपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर आपने एस इन ऑफ एफ नाम दिया और आउटपुट को अगर आपने एस आउट ऑफ एफ नाम दिया, तो आप ये रिलेशन देख चुके हैं कि एस आउट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इनटू एस इन ऑफ एफ। ये चीज हम देख चुके हैं। एलटीआई सिस्टम्स के लिए मीन का रिलेशन भी आप देख चुके हैं कि अगर हम कहें कि हमारी ये इनपुट रैंडम प्रोसेस है एक्स ऑफ टी और ये हमारा आउटपुट रैंडम प्रोसेस हमें मिल रहा है वाई ऑफ टी, तो अगर आप मीन देखें तो आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y of t is equals to h of 0 into expected value of x of t। तो मतलब अगर इनपुट का मीन 0 होगा तो इसी से जीरो ही होगा। तो अब अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में ही देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एग्जांपल 1 लिया, एग्जांपल 1 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि व्हाइट नॉइज प्रोसेस, व्हाइट नॉइज प्रोसेस ऑफ मीन जीरो एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एन नॉट बाई टू इज पास्ड थ्रू एन आइडियल, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, आइडियल नॉइज प्रोसेस, आइडियल फिल्टर की बात कर रहे हैं। Passed through an ideal low pass filter with bandwidth equals to b hertz and आप लिख सकते हैं इसमें unity gain pass band amplitude। अगर आपके पास एक white noise process है, आपने उसको एक ideal low pass filter, अगर हम पहला केस ले रहे हैं ideal low pass filter से पास कर रहे हैं हम जिसका पास बैंड गेन कितना है, यूनिटी है, और बैंडविड्थ कितनी उसकी, बी हर्ट्ज है। तो अगर हमें आउटपुट रैंडम प्रोसेस के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पावर की वैल्यू पूछी जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करें हम, यहां पर अगर हम देखें तो इस केस में क्या फाइंड करना हो सकता है हमें, टू फाइंड फर्स्ट पीएसडी, सेकेंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड थर्ड पावर, किसकी, आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, जो इस लो पास फिल्टर के बाद जो हमारे पास प्रोसेस है नॉइज प्रोसेस, उसके लिए हमें ये चीजें अगर हमें कैलकुलेट करनी, तो ये हमें पता है कि हम आइडियल लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं। मतलब अभी जो आपका फिल्टर है वो हमारा शार्प कट ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पर पास बैंड में, ये यूनिटी गेन आपको गिवन है। अगर हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा देख लें तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू एफ, हमारी ये स्प्रेड कितनी है, बी हर्ट्ज, मतलब ये माइनस बी टू बी है। तो ये भी चीजें आपको पता है कि लो पास सिग्नल अगर है तो उसकी बैंडविड्थ जीरो से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होती है वही उसकी बैंडविड्थ है। अगर यही स्पेक्ट्रम एफ इक्वल्स टू जीरो पर सेंटर्ड नहीं होकर किसी और फ्रीक्वेंसी पर सेंटर्ड होता तो ये बैंड पास सिग्नल होता, तो उस केस में इसकी बैंडविड्थ कितनी होती, ट्वाइस ऑफ बीटा होती। तो इस सिस्टम से हम पास कर रहे हैं अपने व्हाइट नॉइज प्रोसेस को,
मतलब ये हमारी व्हाइटनेस प्रोसेस है, सपोज हमने इसको नाम दिया एस डब्ल्यू ऑफ एफ नाम दे देते। इसके लिए आपको गिवन है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड नॉट बाई टू विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखेंगे तो आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ एस, अगर हम कहें एस एन ऑफ एफ, तो आप जानते हैं आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है जो इनपुट के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 1 है वैल्यू इन बिटवीन माइनस बी एन प्लस बी, तो स्क्वायर भी हमारा 1 ही होगा लेकिन सिर्फ इसी रिलेशन में होगा। और जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नॉन जीरो सिर्फ किस रीजन में आएगा, माइनस बी टू बी। तो मतलब यहां पर आपको माइनस बी से बी के बीच में, माइनस बी से लेकर बी के बीच में फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये वैल्यू मिल रही है, दैट इज एन नॉट बाई टू। एम्पलीट्यूड है एन नॉट बाई टू, सेंटर्ड है एट फ्रीक्वेंसी जीरो और स्प्रेड है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बी हर्ट्ज तक। तो ये हमें मिल गया आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब आप इसको अगर एक्सप्रेस कर सके, इसको अगर आप रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि हमें ये अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है तो अगर हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिलेगा। और पावर फाइंड करने के हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, हमने चार तरह के मेथड्स डिफाइन किए थे। अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पता है तो टाउ की वैल्यू जीरो पर वैल्यू देख लीजिए उसकी, अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है तो इंटीग्रेट कर लीजिए पूरी फ्रीक्वेंसी में, ऐसे हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे। तो अगर मान लीजिए कि पहला हमारा टास्क है कि इससे हम अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म के इनवर्स का प्रोसेस आपको यूज करना है, जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स आपने पढ़े हैं। तो होप कि आप लोग सिग्नल्स के क्रैश कोर्स को भी कर रहे होंगे फॉलो, तो वहां से हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। क्रैश कोर्स जैसा सिग्नल में ऐसा हमने नहीं किया उसको, क्योंकि गेट के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो बहुत सारी चीजें हम स्किप नहीं कर सकते। तो पूरा प्रोसीजर है वहां, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को भी अगर आप में प्रॉब्लम होती होगी तो आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं वो लेक्चर्स। मुझे लगता है 7 to 8 hours का होगा मैक्सिमम, लेकिन उसमें सब कुछ आपके कवर्ड है। तो नेक्स्ट हमने अभी ये जो फाइंड कर लिया है, पीएचडी हमें मिल गई है, फिर हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देखना है, ठीक है। तो बस हमारा काम है इनवर्स लेना। तो जैसे ये जो पीएचडी आपको मिली है आउटपुट नॉइज की, दैट इज एस एन ऑफ एफ आपने नाम दिया है, ये माइनस बी टू बी वैल्यू है एन नॉट बाई टू। तो अगर आप देखें रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एस एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टॉप। अगर टी डोमेन में आप देख रहे हैं, यहां पर टी की जगह बस हम एफ यूज करेंगे। तो ए मतलब एम्पलीट्यूड, वैल्यू कितनी है एन नॉट बाई टू। रेक्टेंगल ऑफ सेंटर्ड है हमारा क्योंकि ये जीरो पर, तो हमने सिर्फ एफ लिखा, अदरवाइज हम एफ माइनस जहां ये सेंटर्ड होता वो वैल्यू लिखते। एफ अपॉन जैसे लिखते हैं आप ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, टाउ मतलब टोटल वेट, तो टोटल वेट कितनी दिख रही है हमें इसकी, ट्वाइस ऑफ बीटा, ट्वाइस ऑफ बी। तो ये हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गई। अब हमें इसका इनवर्स लेना है। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसका जब हम इनवर्स लेंगे तो रेक्टेंगल का इनवर्स या तो सिंक या सैंपलिंग फंक्शन आएगा। मतलब हम ये जानते हैं कि इसका जो शेप हमें मिलने वाला है वो कैसा होगा, ये हमारा इस फॉर्म का हमें ये सिग्नल मिलने वाला है। टाइम डोमेन में अगर हम देखेंगे इसको तो टाउ के रिस्पेक्ट में, और इसको हम नाम देंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर ऑफ टाउ। तो हमें ये देखना है कि ये एफ इक्वल्स टू या टाउ इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू आपको डायरेक्टली पावर की वैल्यू दे देगी। और हमें ये देखना है ये जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स आ रहे हैं ये पॉइंट्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर आपको इसका इन्वर्स लेना है तो आप यूज कर सकते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। आपको ये पता है कि अगर हम ए रेक्टेंगल ऑफ, अगर हम टी की जगह टाउ ले रहे हैं अपॉन टोटल विड्थ को अगर हम टी नाम दे दें, ठीक है, ए रेक्टेंगल ऑफ जैसे हम टी अपॉन टाउ लेते थे, क्योंकि हम यहां पर फंक्शन ऑटो कोरिलेशन के केस में टाउ हम लेते हैं वेरिएबल, तो ए रेक्टेंगल ऑफ टाउ अपॉन ये टोटल विड्थ टी की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें रिजल्ट पता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म या तो आप लिखते हैं ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई टू, लेकिन क्योंकि ये हमें एफ डोमेन में दिख रहा है तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट लेकर चलते हैं अपना, ए सैम्पलिंग ए सिंक ऑफ एफ टाउ, तो टाउ की जगह हम यूज कर रहे हैं टोटल विड्थ टी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हम देख रहे हैं यहां पर कि जो फंक्शन है रेक्टेंगल वो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसका हमें इनवर्स लेना है, तो इसलिए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें, अगर इसमें जहां भी एफ है, अगर इसके एफ की जगह हम ये फंक्शन टाउ कर दें, तो ए सिंक ऑफ f
एफ की जगह हमने टाउ पुट किया, तो टाउ इंटू टी, जहां पर ये टी टोटल विड्थ है जिस रेक्टेंगुलर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, इसका ट्रांसफॉर्म हम अगर एफ डोमेन में ले रहे हैं तो 2 पाई का टर्म नहीं आएगा, सिंपली ये जो आपका टाइम डोमेन सिग्नल है आपको टाउ माइनस एफ पुट करना है, लेकिन क्योंकि ये हमारा इवन फंक्शन है तो हम चाहे माइनस एफ पुट करें या प्लस एफ पुट करें वैल्यू सेम होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेक्टेंगल ऑफ टाउ की जगह हमने पुट किया एफ अपॉन टी। तो ये अगर हमारे पास इस फॉर्म का सिग्नल होगा तो उसका इनवर्स क्या आएगा, ए सिंक ऑफ टी टाउ आएगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है दैट इज एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू जिसका आपको इनवर्स लेना है रेक्टेंगल ऑफ एफ अपॉन टू बी, एफ अपॉन टू बी, तो आपको इसका इनवर्स लिखने के लिए देखिए यहां से क्या क्या चीजें चाहिए, आपको ए चाहिए और आपको कैपिटल टी चाहिए। तो यहां अगर आप कंपेयर कर ले तो आपको दिख रही है वैल्यू कैपिटल टी की वैल्यू 2b है, तो यहां से टोटल विड्थ 2b और एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू n नॉट बाई 2। तो अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, ए की जगह आपने लिखा है n नॉट बाई 2 इनटू, आपको क्या लिखना है इसके लिए, देखिए यहां से ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ का ट्रांसफॉर्म ए टाउ, तो यहां पर टाउ टोटल विड्थ आप टी ले रहे हैं, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, ए इंटू टी इंटू सिंक ऑफ टाउ इंटू टी। तो यहां से ये ए की वैल्यू लिखी आपने नॉट बाई टू, टी की वैल्यू लिखेंगे हम टू बी इंटू सिंक ऑफ टाउ इंटू टी की वैल्यू टू बी, तो यहां पर हमने लिखा टू बी टाउ। तो यही चीज हमारे लिए, इसका इनवर्स मिल गया हमें, मतलब इसका क्या मिल गया हमें, अगर ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है तो इसका इनवर्स हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देगा। तो यहां से आपने डिफाइन किया कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से ये 2 और ये 2 का टर्म कैंसल्ड, तो एन नॉट इनटू बी इनटू साइन सिंक ऑफ, इट इज नॉट साइन इट इज सिंक, सिंक ऑफ 2 बी टाउ। तो अब अगर इस फंक्शन को आपको प्लॉट करना है, ये हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है एक सिंक फंक्शन, तो हमें ये क्या चाहिए था, इसका एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब जो जीरो वैल्यू पर एफ टाउ इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू है वो हमें दिख रही है वैल्यू कितनी है, एन नॉट इनटू बी। तो ये पॉइंट तो हमें पता चल गया कि वैल्यू कितनी है इसकी, एन नॉट इनटू बी, ठीक है ये चीज। अब अगर यहां से हम देखें सिंक फंक्शन है, मतलब आप जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं सिंक ऑफ एक्स, तो सिंक ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। तो इसलिए अगर हम यहां से देखें सिंक ऑफ टू बी टाउ, इसको हम और कैसे लिख सकते थे, एन नॉट बी इंटू साइन, ये एक्स है तो सिंक ऑफ एक्स इज साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, तो पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो टू बी टाउ इंटू पाई डिवाइडेड बाई टू बी टाउ इंटू पाई, ठीक है ये चीज। हमने साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स लिख लिया। तो अब अगर हम इसकी जीरो क्रॉसिंग वैल्यूज देखना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं ये देखना कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो होगा, टाउ की किस किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो अगर आप ये पूरे वैल्यू को जीरो चाहते हैं, जहां पर ये न्यूमरेटर आपका जीरो होगा वहां पर फंक्शन भी जीरो हो जाएगा। तो अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करें, मतलब ये जो टर्म है आपका साइन ऑफ टू बी टाउ इंटू पाई, इसको अगर आपने पुट किया जीरो, तो आप जानते हैं जीरो मतलब इसको साइन एन पाई भी पुट कर सकते हैं, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, जहां पर एन हम कोई भी वैल्यू ले लें इंटीजर। तो अब यहां से आप अगर देखें तो पाई ये साइन, और मतलब आप इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये जो वैल्यू हमारी 2b tau into pi into n pi, मतलब उसको आप n pi से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने कंपेयर किया 2b tau into pi is equals to n pi, pi और pi cancelled, तो यहां से आपको tau की वैल्यू दिख रही है n upon 2b, tau की वैल्यू कितनी आई n upon 2b, तो जहां पर n वेरी कर सकता है प्लस माइनस वन, आपने देखा जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो पर सिंक फंक्शन या सैंपलिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो n इक्वल्स टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ऐसे आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आप n वन पुट करेंगे तो वन अपॉन टू बी, फिर टू अपॉन टू बी, मतलब ये जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ये वन अपॉन टू बी, टू अपॉन टू बी, दैट इज उसको हम वन अपॉन बी भी लिख सकते थे, ये वैल्यू हमारी थ्री अपॉन टू बी एंड सो ऑन, ये वैल्यू फोर अपॉन टू बी एंड सो ऑन, ऐसे ही ये पॉइंट्स हमारे माइनस वन अपॉन टू बी एंड सो ऑन। तो ये हमें जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स मिल गए, आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल गई, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिल गया। अब अगर आपसे आउटपुट का पावर पूछा जाता तो देखिए आउटपुट पावर, आउटपुट पावर तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दैट इज आर ऑफ जीरो से, जो आउटपुट का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपको मिला है अगर उसकी वैल्यू आप टाउ इक्वल्स टू जीरो पर देख लें, मतलब आउटपुट का फंक्शन है आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एन नॉट बी इनटू सिंक ऑफ
इट इज 2b tau. अगर हम इसकी वैल्यू देखें tau इज इक्वल्स टू जीरो पर, तो ये सिंक फंक्शन है. जैसे आप tau जीरो पुट करेंगे तो सिंक ऑफ जीरो, सिंक ऑफ जीरो आप जानते हैं जो ये चीज लिखी हुई है उसी के बराबर होती है. तो आप यहां से देखें अगर, तो ये वैल्यू इसलिए कितनी मिली आपको, n नॉट इंटू b मिली. तो इसलिए आपने पहले भी लिख रखा है जीरो पर ये वैल्यू n नॉट b, और यही चीज क्या देगी आपको, पावर की भी वैल्यू देगी. ठीक है, तो ये चीज एक तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते थे, या फिर अगर ये आपकी आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है तो आप डायरेक्टली अगर आप इसका एरिया फाइंड कर लेते, या आप लिखें इसको कि पावर ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है अगर हम इसको एफ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो हमें आउटपुट पावर की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये इंटीग्रेशन चाहे आप ऐसे देखें या फिर सिंपली ये रेक्टेंगल है, तो टोटल एरिया कैलकुलेट करना मतलब विड्थ इनटू हाइट, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एन नॉट अपॉन टू आपकी हाइट है, एम्पलीट्यूड है, और विड्थ उस रेक्टेंगल की है 2b. फिर से आप देख सकते हैं यहाँ ये 2b, 2 और 2 कैंसिल, और आपको वैल्यू मिलेगी एन नॉट इनटू b. तो ये हमने अभी आइडियल अगर लो पास फिल्टर लिया तो उसके केस में हमने देखा कि जो आउटपुट में हमारे, अगर हम इनपुट में अप्लाई करें व्हाइट नॉइस प्रोसेस, तो आउटपुट प्रोसेस की ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू या पावर की वैल्यू या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम कैसे लेंगे. अब अगर इसी को हम अगर प्रैक्टिकल फिल्टर से रिप्लेस करें इसी केस को, तो अगर आपने नेक्स्ट लिया कि व्हाइट नॉइस अब हम अप्लाई कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल आरसी लो पास फिल्टर में, तो अब उसके केस में ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर हमें फाइंड करना हो अभी भी नॉइज प्रोसेस को हम जीरो मीन नॉइज प्रोसेस ही मान रहे हैं, जो व्हाइट नॉइज है हमारी वो जीरो मीन नॉइज प्रोसेस अगर हम मान रहे हैं. तो नेक्स्ट अगर आपने ले लिया केस दैट इज एग्जांपल टू, व्हाइट नॉइज अप्लाइड टू आरसी लो पास फिल्टर, मतलब अब आपके पास जो फिल्टर है आप जानते हैं आरसी लो पास फिल्टर, ये हमारा एक आरसी लो पास फिल्टर है. अगर हम यहाँ पर वाइट नॉइज अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने डब्ल्यू ऑफ टी से शो कर दिया इनपुट प्रोसेस को, और आउटपुट में जो भी नॉइज मिल रहा है अगर हम उसको एन ऑफ टी से शो कर दें, ठीक है ये चीज. तो अगर हम इसके लिए पी एच डी की बात कर रहे हैं तो इसकी पी एच डी अगर हमने कहा एस डब्ल्यू ऑफ एफ, और आउटपुट नॉइज की पी एच डी को हम नाम देंगे एस एन ऑफ एफ, ठीक है ये चीज. इनपुट की पीएचडी हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि अगर हम इस सिस्टम के लिए एच ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्टली हमें आउटपुट की पीएचडी भी मिल जाएगी. सभी चीजें मालूम भी आपको, ये आर और ये सी है. तो आप जानते हैं यहां पर अगर हम इस सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन देखते तो उस केस में आप लिख सकते हैं एच ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू, आप यहां से आउटपुट की वोल्टेज की वैल्यू, मतलब अगर आप एस डोमेन में देखते तो इसके लिए आप कह सकते थे इंपीडेंस 1/CS, इसका इंपीडेंस आर ही रहेगा, और अगर आपने यहां जो करंट फ्लो कर रहा अगर आपने उसको आई ऑफ एस मान लिया तो आप लिख सकते थे इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू दैट इज 1/CS टाइम्स आई ऑफ एस, 1/CS टाइम्स आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू इन दोनों में जितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, मतलब अगर आप इस लूप में केवीएल लिखेंगे तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी. तो आप इसको लिख सकते थे आई ऑफ एस इंटू आर प्लस 1/CS इंटू आई ऑफ एस. तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/1+RCS, ठीक है ये चीज. तो अब अगर आपने s इक्वल्स टू जी ओमेगा पुट कर दिया, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये हमने h ऑफ s कैलकुलेट किया, तो अगर हम s इक्वल्स टू जी ओमेगा पुट करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ रही है वैल्यू h ऑफ जी ओमेगा या h ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/1+j2πfRC. ओमेगा की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 2πf, या एक बार अगर आप इसको ओमेगा भी रख लें, दोनों ही टर्म्स में आप कंफर्टेबल होंगे इन सभी चीजों से, तो ये जे ओमेगा इनटू आरसी. तो यहां से अगर आप देखें हम ये जानते हैं कि अगर हम अभी इस फिल्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर हम अभी इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो ये वैल्यू 1/√1+ωRC के होल स्क्वायर के बराबर है. तो अगर हम देखें, हम डिफाइन करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल मैग्नीट्यूड का, मतलब अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पर जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अगर उस मैग्नीट्यूड का 1/√2 रह जाए उसी को आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, और वो जो जीरो से लेकर उस फ्रीक्वेंसी तक की जो रेंज है उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप बैंडविड्थ नाम देते हैं. तो यहां से अगर आप ओमेगा जीरो पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड 1 का 1/√2 टाइम्स रह जाए
मतलब जब इसका मैग्नीट्यूड 1 बाई रूट 2 हो जाए, तो 1 बाई रूट 2 तब होगा इसका मैग्नीट्यूड जब ये टर्म अपने आप में 1 बन जाएगा। जब ये टर्म 1 बन गया तो 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाई रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसलिए आप जानते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये टर्म अगर हम 1 चाहते हैं, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, जहां पर अगर आपने डिफाइन कर दिया कि ओमेगा सी इज 1 अपॉन आर सी, अगर आपने ये जो आपके पास टर्म है आर सी, अगर आप 1 अपॉन आर सी को ओमेगा सी डिफाइन कर दें तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। ये हमने इस फॉर्म इसलिए ले लिया कि जब हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तभी आपको इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 बाई रूट 2, क्योंकि ये टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से जैसे आपने ये ओमेगा डोमेन में लिखा, अगर आपने एच ऑफ एफ निकाला होता, मतलब आप इसी चीज को अगर 1 अपॉन 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी लिखते तो यहां पर भी आप इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते थे, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ सी। तो देखिए यहां से एफ को छोड़कर बाकी जो टर्म है दैट इज 2 पाई आर सी, तो अगर हमने 1 अपॉन 2 पाई आर सी को एफ सी कह दिया तो इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं जे एफ अपॉन एफ सी। फिर से इस फॉर्म में लिखने का एडवांटेज ये है कि आपको पता चल गया कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब ये रेशियो 1 हो जाए। तो यहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, एफ सी इज 1 अपॉन 2 पाई आर सी। तो अगर आप देखें तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो ये एच ऑफ एफ आपको मिल गया। ठीक है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आगे की कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। तो अब यहां से आपको सिस्टम फंक्शन के लिए सिस्टम फंक्शन मिल गया इसका। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखा आपने तो ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर से ये हमारे पास इस एच ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब जो आउटपुट की पीएचडी होगी आप क्या लिखेंगे, आउटपुट की पीएचडी इक्वल्स टू इनपुट की पीएचडी अगर एसडब्ल्यू ऑफ एफ से रिप्रेजेंट किया तो एसडब्ल्यू ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वैल्यू हमारी है एन नॉट बाई टू। तो अब अगर आप देखें यहां से कि एच ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू एसडब्ल्यू ऑफ एफ तो क्या वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल्स टू इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और मल्टीप्लाई करना आपको उसमें एस डब्ल्यू ऑफ एफ जिसकी वैल्यू है एन नॉट बाई टू। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास एन नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई इसके स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस इट इज 2 पाई एफ आर सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब अगर हमारी ये फिर से अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और अगर हमें क्या चाहिए इसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन चाहिए, तो एक चीज तो आपने ये कैलकुलेट कर ली, एफ के टर्म्स में लिखा आपने, ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ही आप 2 पाई एफ को ओमेगा पुट कर लेंगे तो ये एन नॉट बाई टू 1 प्लस ओमेगा आर सी होल स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका इनवर्स चाहिए तो कैसे मिलेगा हमें इनवर्स, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक एक्स स्क्वायर के फॉर्म की अगर चीज दिख रही है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स कि अगर पावर माइनस ए मॉड ऑफ टाउ ले तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, 2 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होती है वैल्यू। तो अगर हम यहां से देखें ये ओमेगा स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपको पता है। अब अगर आपने इसको कंपेयर किया तो यहां अगर आपने देखा तो 2 पाई एफ के साथ कुछ और टर्म मल्टीप्लाई हो गया, उसको हम बाद में देखेंगे कि वो टर्म कैसे लाए, लेकिन ये स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहां पर टर्म आपका क्या है 1 है, मतलब आपको दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी पुट की गई है 1 पुट की गई है। तो अगर हम ई टू द पावर माइनस ए की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ टाउ का बस अगर ट्रांसफॉर्म देखते तो क्या वैल्यू होती, 2 अपॉन 1 प्लस 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब लेकिन हमें यहां दिख रहा है कि ये तो ठीक है, ये कांस्टेंट हम कभी भी ले आएंगे, ये इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यूमरेटर से हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां जो हमारा 2 पाई एफ बस आ रहा है, हमें दिख रहा है कि यहां जो गिवन है उसमें 2 पाई एफ के साथ और क्या आना चाहिए, आर सी आना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म में हम एफ को एफ इंटू आर सी से कब रिप्लेस कर पाएंगे, तो आपको पता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी से क्या लिखते हैं आप लिखते हैं अगर सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर x ऑफ t सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है x ऑफ f, तो आप लिखते हैं x ऑफ अल्फा t,
इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा एक्स ऑफ एफ अपॉन अल्फा या ओमेगा अपॉन अल्फा, दोनों ही केसेस में सेम वैल्यूज होती हैं। तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्म है, आपके पास एक ट्रांसफॉर्म क्या है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है 1 अपॉन या 2 अपॉन 2 पाई एफ होल स्क्वायर, और आप चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्म को हम ये कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करें, जिसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस सिर्फ 2 पाई एफ का स्क्वायर नहीं होकर आरसी भी यहां पर टर्म मल्टीप्लाई हो जाए और इसका स्क्वायर हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि ये जो एफ हमारा है, ये एफ हमारा किससे रिप्लेस हो जाए, एफ इंटू आरसी से रिप्लेस हो जाए। तो एफ इंटू आरसी से आप अपने ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एफ को। तो अगर हम इसके से, तो एफ को हमें एफ अपॉन अल्फा से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं एफ अपॉन अल्फा एफ इंटू आरसी के बराबर हो जाए, मतलब हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन आरसी। अगर आप यहां पर एक्स टी का ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता हो, अगर आप यहां पर इसको एक्स ऑफ टी अपॉन आरसी का ट्रांसफॉर्म देखेंगे, आपने अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 अपॉन आरसी। अगर आपने अल्फा की वैल्यू को ले लिया 1 अपॉन आरसी, तो उस केस में अब जो ट्रांसफॉर्म में चेंजेस आएंगे, अगर एक्स टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ था, मतलब अगर ये, तो एक्स ऑफ टी अपॉन आरसी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्म में जहां भी एफ है 2 अपॉन 1 प्लस 2 पाई, जहां भी एफ है इस एफ को हमने किससे रिप्लेस किया, एफ इंटू एफ अपॉन अल्फा से, दैट इज एफ अपॉन 1 अपॉन आरसी। तो एफ को रिप्लेस करेंगे आप एफ आरसी से, तो आपके पास ये 2 पाई एफ आरसी ये टर्म आ गया इसका स्क्वायर। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल का ट्रांसफॉर्म पता हो, तो उसको अगर हम सिग्नल को टाइम में अगर हम स्केल कर लें 1 अपॉन आरसी से, तो उसके ट्रांसफॉर्म में जो वैल्यू एफ थी वो एफ आरसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहां पर एक और चीज के आप छोड़ रहे हैं, आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा भी लेना है। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है आपका 1 अपॉन आरसी, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा इज आरसी। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई आरसी इंटू 2 अपॉन ये वैल्यू, ठीक है चीज। इसी रिजल्ट को अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये हमारा अगर सिग्नल है एक्स ऑफ टी, तो इसका ये ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एफ। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस टाउ को रिप्लेस कर दें टाउ अपॉन आरसी से टाइम डोमेन में, मतलब अगर हमने सिग्नल लिया ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ टाउ अपॉन आरसी, तो इसके ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, आपको ये वैल्यू दिखी कि क्या होगी, वैल्यू आरसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, और यहां जहां एफ था उस एफ की जगह पर एफ आरसी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ आरसी होल स्क्वायर। अब अगर आप अपने इस ट्रांसफॉर्म को इससे कंपेयर करें, क्योंकि अब आप देखें तो ये कंपेरेबल हो गए हैं, यहां आपको ये जो कांस्टेंट है आरसी इंटू 2 ये हटाना है और इसकी जगह पर एन नॉट बाई 2 ये लाना है। तो हम क्या करें, अगर हमने यहां पर एन नॉट बाई 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने अगर 2 आरसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये 2 आरसी और ये 2 आरसी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, एन नॉट बाई 2 मिल जाएगा, जैसा कि हमें यहां चाहिए। तो अगर आपने इस तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उसी कांस्टेंट से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने इधर भी मल्टीप्लाई किया एन नॉट बाई 2 और डिवाइडेड बाई इट इज 2 आरसी। तो देखिए यहां से ये 2 का टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन नॉट बाई 4 आरसी इंटू ये टर्म। तो अब आपको आपके इस पर्टिकुलर SN ऑफ F, मतलब आउटपुट के जो PSD है उसका आपको इनवर्स मिल गया। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको क्या मिल गई वैल्यू, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू मिल गई, किसके लिए, जो आउटपुट नॉइज प्रोसेस है उसके लिए। तो ये आउटपुट नॉइज प्रोसेस की वैल्यू कितनी आ गई, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू इट इज एन नॉट अपॉन फोर आरसी ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ टाउ अपॉन आरसी। आरसी कॉन्स्टेंट ये हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ टाउ अपॉन आरसी भी आप लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ आउटपुट आर ऑफ टाउ। तो ये दो रिजल्ट्स जो हमें यहाँ से मिले हैं, ये दो रिजल्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटो कोरिलेशन, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, उसका हमने कैलकुलेट किया ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अब फिर से अगर इस नॉइज प्रोसेस में पावर पूछी जाती है आपसे, आउटपुट नॉइज प्रोसेस में, तो ये जो आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आया है, फिर से अगर हम इसकी वैल्यू में टाउ इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, तो आप कह सकते हैं एवरेज आउटपुट पावर, तो ये वैल्यू टाउ इक्वल्स टू 0 पर इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम आउटपुट पावर देखें, तो आउटपुट पावर, इस आउटपुट पावर की वैल्यू कितनी है हमारी, इट इज इक्वल्स टू आर ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन 4 आरसी। तो अगर आप आइडियल फिल्टर ले रहे थे, तो उस केस में आपके पावर की वैल्यू कितनी है, जो आप
फिल्टर ले रहे हैं, दैट इज वहां पर बीटा उसकी कट ऑफ, बी उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, तो एन नॉट इनटू बी आपको टर्म मिला था। यहां पर अगर आप देखें तो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/RC। तो ये 1/RC आपकी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो अब यहां पर आपको एन नॉट बाई 4 इंटू बी आपकी वैल्यू मिल रही है। मतलब बैंडविड्थ अगर आपकी 1/RC है, तो इस केस में एन नॉट बाई 4 इंटू बी आपका रिजल्ट है पावर का, और आइडियल के केस में वो रिजल्ट कितना था, सिंपली एन नॉट इंटू बी था। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे लिए पावर में क्या हो रहा है, यहां पर आपका पावर कम मिल रहा है। जो आइडियल प्रोसेस था, आइडियल फिल्टर से जब आपने पास किया था, उससे आपको कम पावर आउटपुट मिलेगा अगर आप प्रैक्टिकल आरसी फिल्टर से पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने ये दो केसेस ले लिए, इसी में आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लास्ट में करेंगे। एक और केस हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं नैरो बैंड नॉइज की, तो नैरो बैंड नॉइज के नाम से आपने सुना होगा, या फिर अगर आप कहें कि हम अपने व्हाइट नॉइज प्रोसेस को एक बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, तो देखिए बैंड पास फिल्टर नॉइज होता है, उसका मतलब अभी हमने कहा कि अगर व्हाइट नॉइज है तो सारी फ्रीक्वेंसीज पर इक्वल अवेलेबल है, इक्वली अवेलेबल है वो चीज। तो अगर हम उस नॉइज की पावर को कम करने के लिए अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी में कन्फाइंड कर दें, मतलब अगर हम अपने नॉइज प्रोसेस को एक ऐसे बैंड पास फिल्टर से पास करें जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द बैंडविड्थ, जो उस बैंड पास फिल्टर की बैंडविड्थ हो, अगर उस बैंडविड्थ से बहुत ज्यादा उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी हो, जहां पर वो आपका फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो जहां पर सेंटर्ड है, तो अगर ऐसे किसी फिल्टर से आप पास करते हैं अपने नॉइज प्रोसेस को, तो रिजल्टेंट नॉइज को आप नाम देते हैं नैरो बैंड नॉइज। तो ये चीज भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये सभी रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं, और रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, बस इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको लेना आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस आप उसकी कर लीजिएगा, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो नैरो बैंड नॉइज प्रोसेस, मतलब आप अगर बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने सिस्टम, अपने नॉइज प्रोसेस को अगर आप पास करने वाले हैं ऐसे बैंड पास फिल्टर से जिसके लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी, अगर हम ये FC नाम दे रहे हैं, अगर ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ HF है, तो अगर आप ऐसे बैंड पास फिल्टर से अगर आप अपने व्हाइट नॉइज प्रोसेस को पास करेंगे, तो ये जो हम लिख रहे हैं, देखिए यहां पर बैंडविड्थ क्या होगी, अब ये बैंड पास सिग्नल अगर है, इसके लिए अगर हम देखेंगे जो बैंडविड्थ है हमारी, ये इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो ये बैंडविड्थ कितनी है हमारी यहां पर 2B, तो बैंडविड्थ है 2B, और इसके लिए अगर हम देखें तो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी कितनी है FC, तो अगर ये FC की वैल्यू बहुत हाई हो कंपैरिजन टू दिस वैल्यू 2B, मतलब कहें ये FC की वैल्यू हम कहें कि ये हमारी 2×10⁶ है, और ये बैंडविड्थ हम कहें कि ये कितनी हमारी 5 kHz है, तो अगर हम देखें तो 5 kHz और ये 2 MHz, तो ये इसके बीच में हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये जो विड्थ है हमारी इस रिस्पॉन्स की, अगर उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो, फिल्टर से पास करने के बाद जो आपको नॉइज मिलेगी, उस नॉइज को आप नाम देते हैं नैरो बैंड नॉइज। तो ये सभी चीजें आपने देखी भी होंगी, जब जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिफाइन करें कि जो इनपुट प्रोसेस हमने पास किया, अगर ये हमारा व्हाइट नॉइज प्रोसेस है, इसके स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर हम SW(F) नाम दे देते हैं फिर से विद रिस्पेक्ट टू F एंड नॉट बाय 2, तो अगर आप इसको इससे पास करेंगे ऐसे, अभी हम अगर आइडियल फिल्टर का केस अगर हम ले लें, तो जो हमारे आउटपुट नॉइज की PSD आएगी, उस आउटपुट की PSD कैसी होगी हमारी, अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू F, आउटपुट को अगर हमने SN(F) नाम दे दिया, तो उस PSD के लिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, तो फिर से आपको दिख रहा है कि अगर ये वैल्यू 1 है तो स्क्वायर भी 1 ही होगा,
तो आपको इसी रेंज में यहां पर वैल्यू मिलेगी। मतलब अब ये वैल्यूज आपको जो मिल रही हैं, ये फिर से फ्रीक्वेंसी एफ, एफ प्लस बी, एफ माइनस बी, और यहां भी ये सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ, एफ माइनस एफ प्लस बी एंड इट इज माइनस बी। तो अगर हमारे पास, और ये जो वैल्यूज है हमारी, ये वैल्यूज एच ऑफ एफ की मैग्नीट्यूड 1 था, तो ये दोनों वैल्यूज कितनी है, एन नॉट बाई 2 है। तो ये आपका आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको मिल गई। ये भी चीज आपने देखा होगा कि ये जो आउटपुट जो नॉइज है, मतलब यहाँ जो आप बैंड पास फिल्टर से अगर आपने पास कर दिया, तब उसके बाद नॉइज मिलता है, उस नॉइज प्रोसेस को अगर आप एन ऑफ टी नाम दे रहे हैं, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक इनपुट नॉइज प्रोसेस है, ये क्या हमारी वैल्यू, जिसको आपने नाम दिया एस डब्ल्यू ऑफ, अगर हम इसको डब्ल्यू ऑफ टी नाम दे दें, ठीक है, ये डब्ल्यू ऑफ टी है, इसको हम इस बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, ये बैंड पास फिल्टर है हमारा, और इसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है, अगर इस वैल्यू को हम नाम दे रहे हैं नॉइज प्रोसेस एन ऑफ टी, तो आप ये जानते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखते हैं आप एन आई ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी एंड माइनस एन क्यू ऑफ टी इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी, जहां पर इस एन आई को आप कहते हैं इन फेज कंपोनेंट और इस एन क्यू टी को आप क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो ये सभी अब अगर आप यहां पर देखें तो कुछ बेसिक सम बस इसके लिए देख लेते हैं, अदरवाइज हमें बस ये देखना है कि आउटपुट में हमारा जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, आउटपुट पावर की क्या वैल्यू होगी। फिर भी यहां से थोड़ा सा आपको पता है इन फंक्शंस के बारे में कि फर्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इन फेज कंपोनेंट एन ऑफ टी एंड आई ऑफ टी एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट एन क्यू ऑफ टी, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये जो भी एन आई ऑफ टी और एन क्यू ऑफ टी है, हमेशा ये जीरो मीन प्रोसेस होंगी। तो यहां से एन आई ऑफ टी एंड एन क्यू ऑफ टी आर जीरो मीन नेक्स्ट अगर आप लिखते हैं कि जिस एन ऑफ टी को आपने ब्रेक किया, एन ऑफ टी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, अभी हम देख भी लेते हैं इसको, तो अगर आपने इसको अगर एन आई ऑफ टी और एन क्यू ऑफ टी में आपने ब्रेक किया एन ऑफ टी को, तो अगर आपका एन ऑफ टी गॉशियन होगा तो उस केस में एन आई ऑफ टी और एन क्यू ऑफ टी भी आपको गॉशियन मिलेंगे। तो यहां से इफ एन ऑफ टी इज गॉशियन, इफ एन ऑफ टी इज गॉशियन, देन एन आई ऑफ टी एंड एन क्यू ऑफ टी will also be Gaussian, ठीक है ये चीज। ऐसे ही आप लिखते हैं कि if n of t is stationary, अगर n of t stationary है तो उस केस में n i of t n q t will also be stationary, ये भी हमारे क्या होंगे, processes stationary होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनकी प्रॉपर्टी में ये भी आप लिख सकते हैं, दैट इज पी एच डी ऑफ एन आई ऑफ टी एंड एन क्यू ऑफ टी आर आइडेंटिकल, हमेशा जैसा एन आई ऑफ टी का पी एच डी आएगा वैसा ही एन क्यू ऑफ टी का भी पी एच डी होगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दोनों की सेम होगी। और अगर आपने इनपुट ये जो आपने ले रखी है ओवरऑल एन ऑफ टी के लिए, अगर पी एच डी आपकी ऐसी है जिसकी वैल्यू एन नॉट बाई 2 है एफ माइनस बी से लेकर एफ प्लस बी तक, तो इस केस में जो इस एन आई ऑफ टी और एन क्यू टी की जो पी एच डी आएगी वो वैल्यू हमारी, वो हमारा एक लो पास सिग्नल मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू हमारी जीरो फ्रिक्वेंसी पर सेंटर्ड, ये माइनस बी से बी के बीच में आपको ये वैल्यू सिंपली एन नॉट मिलेगी। वहां पर एन ऑफ टी में देखिए वैल्यू एन नॉट बाई 2 है, और ये स्पेक्ट्रम यहां नहीं है, ये स्पेक्ट्रम प्लस एफ सी और माइनस एफ सी पर सेंटर्ड है। तो इन फेज कंपोनेंट्स अगर आप देख रहे हैं या क्वाड्रेचर कंपोनेंट, तो उनकी पी एच डी ओरिजिन पर सेंटर्ड होगी माइनस बी से प्लस बी तक एफ के रिस्पेक्ट में। आप लिखें या तो इसको हम कहें एस एन आई ऑफ एफ या फिर हम कहें एस एन क्यू ऑफ एफ, इन दोनों के लिए हमारी ये पी एच डी है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें, क्योंकि मीन अगर जीरो है, अगर मीन जीरो है तो पावर की वैल्यू किसके बराबर होगी, वेरिएंस के बराबर, मतलब टोटल पावर एसी पावर के बराबर होगा, मीन जीरो है तो डीसी पावर की वैल्यू जीरो है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एन ऑफ टी एन आई ऑफ टी एंड
and Q of t. All of these processes will have same variance. Variance की value same होगी. और वेरिएंस अगर सेम होगी तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए पावर की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मीन क्या है इन सभी का, जीरो है. तो उस केस में आपको एन ऑफ टी का पावर कैसे मिलेगा, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एस एन ऑफ एफ डी एफ. तो ये वैल्यू हमारी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एस एन आई ऑफ एफ डी एफ इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एस एन क्यू ऑफ एफ डी एफ. किसी भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे, पावर की वैल्यू मिलेगी. तो आप अगर इसके लिए पावर देखते, इसके लिए अगर हम एरिया देखते, तो इसका एरिया कितना है हमारा, एन नॉट इंटू टू बी. यहां से एरिया आपको कितना मिल रहा है, एन नॉट इंटू टू बी मिल रहा है. अगर आप इसके लिए भी टोटल एरिया देखते, अगर आप यहां से देखते, तो इसका एरिया कितना मिलता आपको, इसका एरिया होता एन नॉट बाई टू इंटू टू बी, एन नॉट बाई टू इंटू विड्थ टू बी. ऐसे ही इसके लिए भी एरिया अगर आप देखेंगे, तो इसके लिए भी एरिया n नॉट बाई टू इंटू टू बी है. तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया की वैल्यू यहां से भी कितनी मिल रही है आपको, n नॉट इंटू बी मिल रही है. तो इसलिए पावर की वैल्यू एस एन एफ और एस एन आई आप कहें और एन क्यू कहें, सभी में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. तो ये चीजें आपको इनके लिए पता होना चाहिए. आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर एन ऑफ टी अपना सिग्नल लिया, उसकी वैल्यूज को अगर हम स्मॉल एन ऑफ टी से शो कर दें, अगर आपने इस सिग्नल को एक बार मल्टीप्लाई किया कॉस 2 पाई एफ सी टी से, 2 पाई एफ सी टी से, और एक बार अगर आपने इसी सिग्नल को मल्टीप्लाई किया माइनस साइन 2 पाई एफ सी टी से, तो अगर यहां जो वैल्यू मिली, अगर आप इसको लो पास फिल्टर से पास कर दें, जिसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी अगर है, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलती है इसको आपने नाम दिया है एन आई ऑफ टी. यह हमारा इन फेज कंपोनेंट नॉइज का एन आई ऑफ टी है. और यहां से जो वैल्यू मिली, अगर आप इसको एक लो पास फिल्टर से पास करें और इसके लिए भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर एफ सी हो, क्योंकि ये देखिए वैल्यू क्या मिल रही है, एन टी इंटू साइन टू पाई एफ सी टी अगर आपको मिल रही है. तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से आप जानते हैं, जैसे ये एन टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी, तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू टाइम्स जो भी इसका ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा कितने से, एफ सी से. तो अब अगर हमने यहां पर लो पास फिल्टर से पास कर लिया, तो हमें सिर्फ जो एफ सी तक फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स होंगे बस वो चीजें मिलेंगी, उसके बाहर की चीज आपको नहीं मिलेगी. तो यहां से आपका क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट जनरेट होगा एन क्यू ऑफ टी, या आपका जनरेट हो रहा है एन आई ऑफ टी. अब यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूज आ गए एन आई ऑफ टी और एन क्यू ऑफ टी, अगर आपको मिल गया है, आपने अपने सिग्नल को ब्रेक कर लिया इन दोनों के केस में, और आपने यहां पर लिख दिया कि एन ऑफ टी हमारी इस वैल्यू को फॉलो करेगा. अब अगर आप फिर से देखें कि अगर आप यहां से ये एन आई ऑफ टी लें, यहां आपने अगर एन क्यू ऑफ टी लिया, फिर से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया कॉस टू पाई एफ सी टी से, कॉस टू पाई एफ सी टी से, और इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया साइन टू पाई एफ सी टी से, साइन टू पाई एफ सी टी से, और अगर आप इनको एक समर में अप्लाई करें विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो यहां से आपका प्रोसेस फिर से जनरेट हो जाएगा एन ऑफ टी, जिसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये आपका फंक्शन है एस एन आई ऑफ एफ, या हम कहें एस एन क्यू ऑफ एफ, इन फेज या क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट्स के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की अगर ये वैल्यू है, तो देखिए इन इस वैल्यू को हमारे पास जो सिग्नल एन ऑफ टी की ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम था बैंड पास से पास होने के बाद, बैंड पास फिल्टर से पास होने के बाद, उसके टर्म्स में हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारे पास ये है एस एन ऑफ एफ, ये वैल्यू है हमारी एस एन ऑफ एफ, जो आपकी प्लस और माइनस एफ सी फ्रीक्वेंसी पर सेंटर्ड, आपके पास ये दो स्पेक्ट्रम्स, ये माइनस एफ सी पर सेंटर्ड है, माइनस एफ सी माइनस बी, माइनस एफ सी प्लस बी, और ये प्लस एफ सी पर सेंटर्ड है, प्लस एफ सी प्लस बी, एंड ये वैल्यू प्लस एफ सी माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, इनकी वैल्यूज कितनी है, एन नॉट बाई टू है. तो अब अगर हमें इससे क्या जनरेट करना है, अगर एस एन क्यू ऑफ एफ या एस एन आई ऑफ एफ, जो सिर्फ जीरो पर सेंटर्ड है, हमारी वैल्यू कितनी है उसकी, एन नॉट. तो आप देख सकते हैं यहां से अगर हम लिखें एस एन आई ऑफ एफ या हम लिखें क्यू ऑफ एफ, क्योंकि दोनों तो सेम, तो इस वैल्यू को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन ऑफ एफ प्लस एफ सी, या पहले हम माइनस साइन लिख लेते हैं, एस एन ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एस एन ऑफ एफ प्लस एफ सी. लेकिन अगर हम ये वैल्यू सिर्फ किस किस के बीच में लें, अगर हम ये वैल्यू डिफाइन करें ओनली इन बिटवीन माइनस बी टू प्लस बी, and it is zero otherwise.
देखिए यहां से अगर आप ये प्रोसेस देखते, एस एन ऑफ एफ माइनस एफ सी क्या होगा और एस एन ऑफ एफ प्लस एफ सी क्या होगा। अगर ये एस एन ऑफ एफ है, अगर हम इसको एस एन ऑफ एफ माइनस एफ सी कैलकुलेट करें, मतलब अगर हम इसको डिले कर दें एफ से, तो जो ये चीज माइनस एफ सी पर है अभी सेंटर्ड, ये वाला स्पेक्ट्रम यहां पर आ जाएगा जीरो पर। मतलब आपको अगर आप देखें तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एफ, अगर आपने ड्रॉ किया एस एन ऑफ एफ माइनस एफ सी, तो ये लेफ्ट साइड का स्पेक्ट्रम जीरो पर आ गया है। जीरो पर अगर सेंटर्ड है, दोनों तरफ बी आपको वेट दिख रही है, तो ये माइनस बी से प्लस बी, और ये जो स्पेक्ट्रम जो अभी एफ सी पर था, ये शिफ्ट होकर एफ सी से अगर आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो टू एफ सी पर सेंटर्ड हो गया होगा। मतलब दूसरा जो आपको दिख रही है दूसरी पल्स, वो अब हमारी कहीं ये पॉइंट होगा ट्वाइस ऑफ एफ सी, तो ये टू एफ सी प्लस बी एंड टू एफ सी माइनस बी, ये हमें वैल्यू मिली विद रिस्पेक्ट टू एफ, और ये वैल्यूज कितनी है एन नॉट बाई टू है। ऐसे ही अगर आप एस एन ऑफ अगर आप कैलकुलेट करते विथ रिस्पेक्ट टू एफ, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस एन ऑफ एफ प्लस एफ सी, अगर हमने इस स्पेक्ट्रम को एडवांस कर दिया फ्रीक्वेंसी में, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया एफ सी से, तो ये स्पेक्ट्रम हमारा जीरो पर सेंटर्ड हो जाएगा, और ये हमारी स्पेक्ट्रम, ये जो पल्स हमारी है अब क्या कहां पर होगी, माइनस टू एफ सी पर होगी। तो आपको फिर से ये वैल्यू दिख रही है कि ये माइनस बी से प्लस बी के बीच एक स्पेक्ट्रम है आपका, माइनस बी से प्लस बी वैल्यू है नॉट बाई टू, और एक और जो आपकी वैल्यू है वो सेंटर्ड है माइनस टू एफ सी पर। ये पॉइंट माइनस टू एफ सी प्लस बी, ये पॉइंट माइनस टू एफ सी माइनस बी, और वैल्यू इसकी भी कितनी है एन नॉट बाई टू है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी से बी के बीच में जो वैल्यू एन नॉट बाई टू थी, ये भी एन नॉट बाई टू थी, दोनों ऐड होकर क्या मिलेंगे एन नॉट मिलेंगे। इसके इधर भी आपको टू एफ सी पर कोई वैल्यू मिलेगी, इधर भी मिलेगी, लेकिन अगर हम इस स्पेक्ट्रम को लेना चाहते हैं क्वाड्रेचर कंपोनेंट का पीएचडी या फिर आपके इनफेज कंपोनेंट की पीएचडी, तो वो सिर्फ माइनस बी से प्लस बी ही डिफाइंड है। इसलिए हमने कहा कि अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें और इसके रिजल्ट को हम सिर्फ किसके बीच में देखें, माइनस बी से प्लस बी के बीच में, तब जो इन दोनों का एडिशन हमें मिल रहा है, वो एडिशन हमें क्या दे रहा है, वो हमें ये एडिशन ये वैल्यू दे रहा है माइनस बी से बी के बीच में फॉर फ्रीक्वेंसी एफ, ये वैल्यू मिलेगी एन नॉट। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें ये एस एन आई ऑफ एफ मिल गया या फिर एस एन क्यू ऑफ एफ मिल गया। तो इसलिए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ये चीज। तो अगर हम देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो हमारा एस एन आई है, एस एन आई ऑफ एफ है, एस एन क्यू ऑफ एफ है, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसकी वैल्यू एन नॉट है लेकिन सिर्फ किसके बीच में है, जब हमारी हम कहें कि वैल्यू हमारी मॉड ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है अगर लेस देन बी है, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी है एन नॉट, अदरवाइज ये वैल्यू कितनी है जीरो, अदरवाइज ये वैल्यू कितनी है जीरो इफ मॉड ऑफ एफ इज लेटर देन ग्रेटर देन बी। तो ये तो आपने क्वाड्रेचर और इनफेज कंपोनेंट्स के लिए आपने लिखा। ऐसे ही अगर आप ये जो स्पेक्ट्रम है, अगर आप इसको भी चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते थे हम, एस एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते थे इट इज इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ माइनस एफ सी इज लेस देन बी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ माइनस एफ सी की वैल्यू हमारी लेस देन बी तक है, उस केस में अगर हम देखेंगे, जैसे आपने अगर यहां देखा, अगर हम एफ माइनस एफ सी का मैग्नीट्यूड हमारा बी के अंदर होगा, मतलब हमें यही रीजन मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ये वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगी तो हमें फिर ये स्पेक्ट्रम ये इस तरफ की वैल्यूज मिलेंगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एस एन ऑफ एफ को, एंड इट इज जीरो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन बी। तो अब देखिए फिर से आपको ये आउटपुट की ओवरऑल पीएचडी मिल गई है, ये उसको आपने इन फेज और क्वाड्रेचर फेज में अगर डिवाइड कर दिया तो उनके लिए भी आपको पीएचडी मिल गई है। तो अगर आप इन दोनों का इनवर्स लेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, यहां से इनके करेस्पॉन्डिंग कोरिलेशन आपके इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी जो आप कैलकुलेट करेंगे ऑटोकोरिलेशन फंक्शन। तो आप अगर ऑटोकोरिलेशन फंक्शन आपको मिल गया तो उन सभी केसेस में टाउ इज इक्वल्स टू जीरो पर उसकी वैल्यू देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितना पावर है, इसमें कितना पावर है, या फिर ओवरऑल जो हमें आउटपुट नॉइज प्रोसेस मिल रही है जिसको आपने नैरो बैंड नॉइज नाम दिया है, उसका क्या पावर है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम फिर से यही करने जा रहे हैं कि इन दोनों सिग्नल्स के लिए हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिग्नल को तो इनवर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस बी से प्लस बी तक ही थी वैल्यू और एन नॉट बाई टू थी, तो उसके लिए हमें इनवर्स मिल चुका था। जो आपने इनवर्स की वैल्यू क्या लिखी थी, एन नॉट इंटू बी इंटू सिंक ऑफ टू बी टाउ लिखा था, जब आपने पहले केस में आइडियल लो पास फिल्टर की जब आपने बात की थी तो वहां से जो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन आया था।
तो उसी से इसका इनवर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, तो अब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके इसका इनवर्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चीज तो देखिए, जैसे यहां से अगर हम, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस पर ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं बेस्ड, अगर आप एलटीआई सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इस पर। जैसे अभी हमने Sn i of f और Sn q of f को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ Sn of f, ऐसे ही हम Sn of f को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Sn i of f एंड Sn q of f। तो अब वही चीज हम यहां पर लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये हमने प्लॉट कर लिया था Sn i कहें या इन फेज या क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट की पीएचडी हमारे पास या नॉट है वैल्यू, और ये वैल्यू एनॉट बाई टू है इस रेंज में माइनस एफसी परसेंटेड और प्लस एफसी परसेंटेड। तो ये स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिल जाएगा, अगर हम इस पर एक बार हम इसको डिले कर दें एफसी से तो ये स्पेक्ट्रम हमारा यहां आ जाएगा एफसी पर, एक बार अगर इसको एडवांस कर ले तो यहां आ जाएगा। तो हमने लिखा एफ माइनस एफसी एफ प्लस एफसी, लेकिन उसकी वैल्यूज कितनी होती, एन नॉट होती, हमें वैल्यू कितनी चाहिए एन नॉट बाई टू चाहिए, तो हमने क्या किया इसको टू से डिवाइड भी कर लिया। तो अगर मान लीजिए कि हम कहें कि हमें ये चीज पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है आर ऑफ टाउ, अगर हम कहें कि हमारे पास आर एन आई ऑफ टाउ, ये अगर हमारे पास है, इसके लिए स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने इसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया तो एस एन आई ऑफ एफ, ये अगर हमारा ट्रांसफॉर्म है, तो अगर हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस स्पेक्ट्रम को हम शिफ्ट कर दें एस एन आई ऑफ एफ माइनस एफ सी, तो ये कब होगी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग कब होती है, जब आप टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमें शिफ्टिंग कितने से चाहिए, माइनस एफ सी से। आपको पता है कि अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल हो उसके लिए अगर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ है, तो अगर आप इस सिग्नल को ई टू द पावर जे टू पाई एफ नॉट टी से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, जैसे आप e टू द पावर जे ओमेगा टी नॉट से आप करते हैं नॉर्मली जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई, वैसे ओमेगा नॉट की जगह टू पाई एफ नॉट इनटू टी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस सिग्नल एक्स ऑफ टी को इनटू सिग्नल एक्स ऑफ टी, तब जो इसका ट्रांसफॉर्म होगा उसमें शिफ्टिंग कितने की होगी, एफ माइनस एफ नॉट। अगर यहां साइन पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव, और ये टू पाई टी को छोड़कर जो टर्म है आपका उसने के बराबर आपकी शिफ्टिंग आएगी। तो अगर आपको एफ सी के बराबर शिफ्टिंग चाहिए तो कैसे मिलेगी शिफ्टिंग, अगर इस जो भी इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा आर एन आई ऑफ टाउ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ई टू द पावर जे टू पाई एफ नॉट की जगह क्या लिखा हमने एफ सी इन टू टी से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म आएगा। ऐसे ही लिख सकते थे आप कि अगर हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए एस एन आई ऑफ एफ प्लस एफ सी, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टाइम्स टी इन टू जो इसका ऑटो को रिलेशन फंक्शन होगा
आर एन ऑफ टाउ, तो इन दोनों का इनवर्स आपको पता चल गया। तो इसलिए अगर आप इस पूरे का इनवर्स कैलकुलेट कर लें तो एस एन एफ का इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो आपको क्या दे देगा ओवरऑल आर एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू, मतलब आर एन ऑफ टाउ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां से अगर आप देखें तो हमने लिखा आर एन ऑफ टाउ इट इज इक्वल्स टू वन बाई टू टाइम्स, हमने इसका इनवर्स लिखा e टू द पावर जे टू पाई एफ सी इंटू, अब क्योंकि हम टाउ के टर्म्स में लिख रहे हैं तो टी की जगह हम टाउ लिखते हैं, तो इंटू टाउ इंटू आर एन आई ऑफ टाउ। ये अभी हम देखेंगे कि आर एन आई मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, उसको हम आर एन आई ऑफ टाउ लिख रहे हैं, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो और प्लस यहां से फिर आपने इसका इनवर्स लिखा e टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी इंटू टाउ इंटू इसका जो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन है इनवर्स आर एन आई ऑफ टाउ, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर दोनों में से हम ये टर्म कॉमन ले लें तो हमें क्या दिख रही है वैल्यू, आर एन ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू आर एन आई ऑफ टाउ, आर एन आई ऑफ टाउ इंटू अगर आप कॉमन लेंगे तो e टू द पावर जे प्लस टू पाई एफ सी टी प्लस e टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ सी इंटू टाउ लिख रहे हैं हम t की जगह पे टाउ, और आपको डिवाइडेड बाई टू का भी टर्म दिख रहा है। इस टर्म को क्या कह सकते हैं हम, कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी कह सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, अब वो रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि ओवरऑल जो हमारा आउटपुट नॉइज प्रोसेस है एन टी, उसके ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू आर एन ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू, इस टर्म को हमने लिखा कॉस, तो आप लिख सकते हैं कॉस टू पाई एफ सी इंटू टाउ इंटू जो हमारे आर एन आई ऑफ टाउ की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ये वैल्यू थी माइनस बी से बी के बीच में एफ के रिस्पेक्ट में, अगर ये वैल्यू थी एन नॉट बाई टू, तो इसके लिए जो हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिला था, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसको हमने कहा था कि रेक्टेंगल का इनवर्स सैम्पलिंग होगा, जिसको हमने प्लॉट भी किया था जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स के साथ, तो आपने देखा था इसका इनवर्स आपको मिला था आर ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू बी इंटू सिंक ऑफ टू बी टाउ, ये आपका ट्रांसफॉर्म था। ठीक है, तो अगर यहां पर वैल्यू एन नॉट बाई टू थी तो यहां पर ये एन नॉट इंटू बी है। अगर आप ये जो अभी ले रहे हैं, अभी जो आपका चाहे आपने इन फेज कंपोनेंट कहा या क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट की पीएचडी, उसकी वैल्यू आपकी एन नॉट नहीं है, सिर्फ कितनी है एन नॉट है, मतलब एन नॉट बाई टू नहीं है, सिर्फ एन नॉट है, ये आपकी एस एन आई ऑफ एफ कहें या आपका एस एन क्यू ऑफ एफ है। तो इसका जो इनवर्स होगा, इसका इनवर्स इसी को हमने क्या नाम दे रखा है, आर एन आई ऑफ टाउ नाम दे रखा है। तो क्या होगी वैल्यू, एम्पलीट्यूड आपने डबल कर दिया, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया टू से, तो यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू कितनी मिली आपको, टू एन नॉट इंटू बी इंटू सिंक ऑफ टू बी टाउ, ये आपके ट्रांसफॉर्म की मतलब इनवर्स की वैल्यू है। तो ये चीज हमें पता थी, आर एन आई ऑफ टाउ की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर दें तो आपको मिल गई वैल्यू ओवरऑल आउटपुट फंक्शन के ऑटो कोरिलेशन की, दैट इज इसकी वैल्यू अगर हम पहले लिख लें तो टू एन नॉट बी इंटू सिंक ऑफ टू बी टाउ इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी इंटू टाउ, तो ये आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो अब अगर यहां से आप देखें, अगर हमें देखना है ओवरऑल आउटपुट नॉइज प्रोसेस में पावर, तो ये एक तो ओवरऑल आउटपुट आपकी वैल्यू हो गई, एक ये आपके पास, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहें या जो हमारा इन फेज कंपोनेंट है, अगर उसकी पीएचडी पता थी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये ऑटोकोरिलेशन फंक्शन उनके लिए कैलकुलेट किया, ये ओवरऑल सिग्नल का हमारा है। तो अगर आप यहां से देखें ओवरऑल आउटपुट सिग्नल में पावर, तो आप लिख सकते हैं पावर इन आउटपुट नॉइज प्रोसेस इट इज इक्वल्स टू आर एन ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू जीरो, अगर आपने टाउ जीरो पुट किया तो ये सिंक ऑफ जीरो की वैल्यू वन, यहां से कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू भी कितनी वन, तो मतलब आपको क्या वैल्यू मिली, पाइस ऑफ एन नॉट इंटू बीटा, ये आपका रिजल्ट है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करते हैं, आप अगर आउटपुट की आपको पावर की वैल्यू देखनी थी तो ये आउटपुट की आपकी पीएचडी है, अगर आप इसको एरिया देख लेते इसका टोटल एरिया तो आपको यही वैल्यू दिखनी चाहिए थी। तो आपने देखा कि इसके लिए 2b विड्थ है और n नॉट बाई टू हाइट है, तो यहां से इसके लिए एरिया की वैल्यू कितनी होती, इसका एरिया होता n नॉट इंटू बी, n नॉट बाई टू इंटू टू बी, मतलब ये n नॉट बाई बी, इसका भी एरिया कितना होता, इसका भी एरिया होता n नॉट इंटू बी, तो ये टोटल एरिया कितना मिल गया आपको, 2n नॉट इंटू बी, तो वही चीज आपको दिख रही है आउटपुट सिग्नल के पावर के फॉर्म में आपको मिल रही।
तो ये सभी चीजें, जैसे एक दो क्वेश्चंस कर लीजिए, अगर इजी क्वेश्चन अगर हम एक ले लें, जैसे अगर आपने ले लिया कि पावर सिग्नल ऑफ PSD एन नॉट बाई टू, या आप ऐसे ले लें, अब पावर सिग्नल ऑफ PSD अगर हम कहें S I ऑफ F इज इक्वल्स टू पाई इंटू डेल ऑफ, या ओमेगा के रिस्पेक्ट में इस बार हम ले लेते हैं, डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है, और बोला गया हमसे इज पास्ट थ्रू एन RC लो पास फिल्टर, थ्रू RC लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1 रेडियंस पर सेकेंड अगर हमने इस फिल्टर से पास किया है विथ यूनिटी गेन, आप ये भी लिख सकते हैं एंड यूनिटी पास बैंड गेन। तो फिर से अगर आपका टास्क वही है कि ऐसे केस में आप आउटपुट पावर की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपसे बोला गया है फाइंड पावर इन आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस। तो फिर से आपको यह पता है कि अगर लो पास फिल्टर से आप पास कर रहे हैं, मतलब जो एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू होगी वो 1/1 j ωRC के बराबर होगी, जिसको आपने और क्या लिख लिया था, 1/1 j ωωC लिख लिया था, क्योंकि यहाँ रेडियंस पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए हम ओमेगा के एक्सप्रेशन को लेकर चल रहे हैं। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हर्ट्ज में अभी तक हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी। तो आपको गिवन है कि ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है एट ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिला 1/1 j ω, ये हमारा एच ऑफ ओमेगा है। तो इस एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना है, एच ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमारा 1/√(1 ω²), ये हमारा एच ऑफ ओमेगा है मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि जो आउटपुट की पीएसडी होगी, अगर हम एस आउट ऑफ एफ से लिखें, अगर या ओमेगा लिख रहे हैं अगर हम एस आउट ऑफ ओमेगा, तो वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर इंटू एस इन ऑफ ओमेगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये स्क्वायर क्या आ गई वैल्यू, 1/√(1 ω²), और एस इन ऑफ ओमेगा की वैल्यू गिवन है आपको, तो ये वैल्यू आ गई 1/1 ω² इंटू, ये वैल्यू है हमारी पाई टाइम्स पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन, ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई। तो अभी हमारे पास ये क्या आ गया, आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गई। तो आउटपुट की पावर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें पूरी फ्रीक्वेंसी में, तो यहां से आपने लिखा देयरफॉर आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए, अगर आप एफ के रिस्पेक्ट में लेते हैं, आपको ये पता है कि अगर हम पावर की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर आपने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एफ के टर्म्स में लिख रखी है यहां से, तो एस एफ डी एफ, ठीक है, ये मतलब आपने लिखा, ये जो भी एस इन ऑफ एफ है या एस आउट ऑफ एफ, जिसकी पावर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप एफ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए पूरे एफ हर्ट्ज के रिस्पेक्ट में। अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उस केस में आपको ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ती है, 1/2π टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस इन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अगर आप ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2π का भी टर्म लेना पड़ेगा। तो पावर की वैल्यू लिखी हमने, इट इज इक्वल्स टू 1/2π टाइम्स, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये हमने लिखा 1/2π टाइम्स इस पूरे का इंटीग्रेशन। इसको हम दो टर्म समझ सकते हैं, एक बार ये चीज मल्टीप्लाइड है इसके साथ, एक बार ये मल्टीप्लाइड है डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन के साथ। तो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखा हमने, यहां से ये पाई दिख रहा है हमें कांस्टेंट है, दोनों में से कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो पाई का टर्म तो कांस्टेंट बाहर आ गया। पहला इंटीग्रेशन है हमारा 1/1 ω² इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस वन डी ओमेगा इंटीग्रेटेड ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर ये बीच का साइन है प्लस, दूसरा टर्म है आपका फिर से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 1/1 ω² इंटू डेल ऑफ ओमेगा प्लस वन डी ओमेगा, ये वैल्यू हमारे पास। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन कहें या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिख रही है, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा नॉट डी ओमेगा।
ये इंपल्स सी क्योंकि सिर्फ ओमेगा इक्वल्स टू वन पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट भी सिर्फ ओमेगा इक्वल्स टू वन पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा है तो आप जानते हैं इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या वैल्यू आएगी। यहां से वैल्यू है आपकी 1/2 टाइम्स, इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा जो इस फंक्शन की वैल्यू है 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, जहां ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपने फर्स्ट केस लिखा, फिर ये बीच का साइन लिखा आपने प्लस, ऐसे ही ये x ऑफ ओमेगा डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1 है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल्स टू -1, जहां पर ये इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप देखें वैल्यू तो क्या आ रही है, आउटपुट पावर की वैल्यू 1/2 टाइम्स इस फंक्शन की वैल्यू ओमेगा, चाहे प्लस 1 पुट करें या -1 पुट करें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगी। तो 1/2 प्लस 1/2, इट इज 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये वैल्यू 1 इंटू 1/2, तो आउटपुट पावर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 वाट। ये आपका आउटपुट पावर आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपली जब भी आप किसी फिल्टर से पास कर रहे हैं, एलटीआई सिस्टम से पास कर रहे हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड रिस्पांस को फाइंड कीजिए, एच ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड को फाइंड कीजिए, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनपुट की पीएसडी थी, तो आउटपुट का पीएसडी आपको आउटपुट की पीएसडी मिलेगी। इनवर्स ले लेंगे तो आउटपुट के लिए ऑटोकोरिलेशन फंक्शन मिलेगा, ऑटोकोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू टाउ पर देख लें तो भी पावर मिल जाएगा, या आउटपुट पीएसडी अगर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो उसको अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो भी हमें पावर की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे हम ये जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कह रहे हैं, आप ये जानते हैं कि अगर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स हैं, आपने ये लिखा है कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं आप, अगर हम एक्स ऑफ टी हमारा कोई मैग्नीट्यूड अगर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है तो उसके लिए एक्स ऑफ एफ का जो ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाई टी वेयर लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चीज हम जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के लिए पीएसडी है, और अगर रैंडम सिग्नल है या रैंडम प्रोसेस है, तो फिर इसी चीज की हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफाइन करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां कोई सिग्नल है x ऑफ t, और अगर आप इसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मतलब इसकी हेल्प से एक कैरियर को आप अगर मॉड्यूलेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए यहां पर आपका कैरियर है cos ऑफ 2πfct, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब यहां जो सिग्नल जनरेट हुआ, अगर हम इस सिग्नल को नाम दे रहे हैं ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है y ऑफ t, तो अगर इस yt और इस x ऑफ t के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, अगर हम यहां xt के लिए देखें तो ये xt की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, सपोज हमने लिखा sx ऑफ f, अगर ये हमारी क्या है xt की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, अभी हमने लिखा है ये टर्म, जो भी x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ f, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t विद लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारे sx ऑफ f की ये वैल्यू है। अब अगर हम इस देखना चाहते हैं कि इस PSD में क्या मॉडिफिकेशंस होंगे जब हम इस सिग्नल को cos 2πfct से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, फिर इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, देखिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपकी यूनिट है रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस, तो सबसे जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, भले ही वो इजी लगे देखने में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है कि आपके रैंडम वेरिएबल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे हम कहें मीन वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो भी मोमेंट्स है उनसे रिलेटेड, सीडीएफ पीडीएफ रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको वहां से मिलेगा ही, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आपके रैंडम प्रोसेस से हो सकता है। तो इसलिए पहले आपको रैंडम वेरिएबल पर पूरी कमांड करनी है, और यहां आपको वैसे भी पता है कि रैंडम प्रोसेस को ही अगर हम सैंपल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो हमें जो चीज मिलती है फिर से वो रैंडम वेरिएबल ही है। तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, वर्कबुक अब आपको मिलने का टाइम आ गया है, अब आप वर्कबुक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पर। ठीक है, तो हम ये केस ले रहे थे,
देखिए हमें ये पता है कि अगर cos 2 पाई fc t है, तो आप जानते हैं cos में ट्रांसफॉर्म में दो इंपल्सेस होंगे प्लस और माइनस fc फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी सिग्नल को टाइम में, मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो x ऑफ t का जो स्पेक्ट्रम होगा x ऑफ f, उसको जब आप कन्वॉल्व करेंगे दो इंपल्सेस से, एक इंपल्स होगा डेल ऑफ f माइनस fc का, एक इंपल्स होगा डेल ऑफ f प्लस fc का, तो x ऑफ f इनटू डेल ऑफ f प्लस fc आपको x ऑफ f प्लस fc देगा, x ऑफ f इनटू डेल ऑफ f माइनस fc आपको x ऑफ f माइनस fc देगा। इसलिए आप जानते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से कि इस ओवरऑल सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होगा, अगर x t के ट्रांसफॉर्म को हम x ऑफ f कहें तो हमें x ऑफ f माइनस fc प्लस x ऑफ f प्लस fc डिवाइडेड बाय 2 हमें ये वैल्यू मिली। तो ये हमारे लिए आउटपुट का हमें ट्रांसफॉर्म मिल गया। जैसे हमने ये इनपुट के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को रिफाइन किया कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी, वैसे ही हम आउटपुट के स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं PSD को, sy ऑफ f ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। अगर हम देखें तो ये sy ऑफ f की वैल्यू जो इस आउटपुट का ट्रांसफॉर्म, तो हम लिखेंगे y ऑफ f के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t फॉर लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अगर ये ये y ऑफ f है हमारा, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लें तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या देगा हमें, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी x ऑफ इस, पहले तो ये 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4 इंटू इस पूरे चीज का आपको क्या लेना है स्क्वायर लेना है। ये हमारा y ऑफ f है, हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो हमने ये 1 बाई 4 ले लिया। अब यहां पर हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर लेना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रिजल्ट से हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी x ऑफ f माइनस एफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x ऑफ f प्लस एफ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ f माइनस एफ सी इंटू x ऑफ f प्लस fc, ठीक है। ये हमने सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन किया। अब यहां से देखिए कि ये जो टर्म आएगा x ऑफ f माइनस fc x ऑफ f प्लस fc, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, ये जो x ऑफ t सिग्नल लिया आपने, अगर आप इस x ऑफ t सिग्नल के स्पेक्ट्रम को x ऑफ f कह रहे हैं, अगर ये आपका स्पेक्ट्रम है x ऑफ f, मान लीजिए ये हमारा ऐसा स्पेक्ट्रम x ऑफ f जो माइनस fm से प्लस fm के बीच में अगर हमारा ये स्पेक्ट्रम लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू f, तो अगर आप x ऑफ f माइनस fc देखेंगे और x ऑफ f प्लस fc देखेंगे, कैसे दिखेंगी वो चीजें, अगर आप यहां से देखें विद रिस्पेक्ट टू f, अगर आप देखें x ऑफ f माइनस fc तो यही चीज fc पर सेंटर्ड होगी, और अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू f x ऑफ f प्लस fc तो यही स्पेक्ट्रम एडवांस हो गया। आपने अगर एडवांस किया मतलब ये माइनस fc पर सेंटर्ड, अभी भी इसकी विड्थ उतनी है दोनों तरफ f है, मतलब ये पॉइंट अगर fc है तो ये पॉइंट fc प्लस fm है, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आपको दिख रहा है दैट इज 2 टाइम्स x ऑफ f माइनस fc मल्टीप्लाइड विद x ऑफ f प्लस fc, तो इस टर्म ये जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां ये प्रेजेंट है वहां ये जीरो, ये प्रेजेंट है तो ये जीरो, तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा जीरो मिलेगा, तो इसलिए इसको लेने की हमें जरूरत नहीं है। इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब यहां से हमें और क्या लेना है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t भी लेना है, तो उस 1/t को हम सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर हमने इसके साथ भी 1/t लिख दिया, इसके साथ भी टी लिख दिया, यहां भी टी लिखना था लेकिन वैल्यू ओवरऑल जीरो है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर आप इस टर्म को देखें, ये टर्म क्या है हमारा, x ऑफ f माइनस एफ सी अपॉन टी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो यहां से आप अगर देखें तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा एस वाई ऑफ एफ है, अब अगर हम देखें तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 1/4 इंटू एस ऑफ एस एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी एंड प्लस एस एक्स ऑफ एफ प्लस एफ सी। देखिए इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमारा यहां पर होता एस एक्स ऑफ एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, तो हम इस टर्म को कहते हैं ये हमारा एक्स एस एक्स ऑफ एफ है, लेकिन वहां पर हमें दिख रही है शिफ्टिंग, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी एस एक्स ऑफ एफ माइनस एफ सी और ये वैल्यू एस एक्स ऑफ एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आउटपुट के लिए हमारी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। ये चीज अभी हमने सिर्फ अगर यहां तक को अगर हमने कंसिडर किया, तो अब देखिए जैसे पे इस पर आपको एक क्वेश्चन भी दिख रहा है यहां पर आपके वर्कबुक में, अगर हम उस क्वेश्चन को ले लें, ठीक है, आपका अ रियल बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस
एक्स ऑफ टी हैज टू साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये आपको गिवन है कि रियल हमारा बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस है, बैंड लिमिटेड रैंडम प्रोसेस, एक्स ऑफ टी हैज टू साइडेड, एक्स ऑफ टी विथ टू साइडेड पी एस डी आपको गिवन है, दैट इज एस एक्स ऑफ एफ, एस एक्स ऑफ एफ की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 10^-6 इंटू 3000 माइनस मॉड ऑफ एफ फॉर वॉट्स पर हेड्स में ये वैल्यू गिवन है, फॉर मॉड ऑफ एफ लेस देन इक्वल्स टू 3 kHz और आपको ये वैल्यू गिवन है 0 अदरवाइज, दैट इज इफ मॉड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन 3 kHz, ये आपको गिवन है एस ऑफ एक्स के लिए, ये आपको पीएसडी गिवन है। अब यहां पर बोला जा रहा है वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है, द सिग्नल एक्स ऑफ टी इज मॉड्यूल एक्स ऑफ टी मॉड्यूलेट्स अ कैरियर, ये आपको गिवन है, फिर से यही चीज आपको गिवन है कि इस एक्स ऑफ टी को आप यूज कर रहे हैं एक कैरियर को मॉड्यूलेट करने के लिए, जिस कैरियर के लिए आपने एक्सप्रेशन ले रखा है, जिसका कैरियर है आपको गिवन है कॉस ऑफ 16000 पाई टी, ये आपको गिवन है कॉस ऑफ 16000 पाई टी, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। और एंड द रिजल्टेंट सिग्नल इज पास्ड थ्रू एन आइडियल बैंड पास फिल्टर, और ये जो रिजल्टेंट हमारा सिग्नल मिल रहा है, यहां पर जो भी वाई टी सिग्नल मिल रहा है, इसको हम पास कर रहे हैं एक आइडियल बैंड पास फिल्टर से, एक आइडियल बैंड पास फिल्टर से अगर आपने पास किया, जिसके लिए अगर आपने लिखा है थ्रू एन आइडियल बैंड पास फिल्टर ऑफ यूनिटी गेन, जिसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स वैल्यू कितनी है गेन की 1 विथ सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 kHz, ये जो हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी है जहां पर इसके स्पेक्ट्रम सेंटर्ड हैं, वो वैल्यू गिवन है हमें 8 kHz और हमें गिवन है एंड बैंडविड्थ ऑफ 2 kHz, बैंडविड्थ गिवन है हमें 2 kHz, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है इस बैंड पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करने के लिए। मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम 1 लेंगे, 8 पर फ्रीक्वेंसी हमारी सेंटर्ड होगी और टोटल बैंडविड्थ क्या होगी, 8 से पहले और 8 के बाद में आपको कुछ स्पेस लेना है फ्रीक्वेंसी में, और वो टोटल वैल्यू हमारी 2 होनी चाहिए, तो 8 से 1 पहले और 1 बाद में, मतलब 7 से लेकर 9 के बीच में आप ये प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बैंडविड्थ है 2 kHz, पूछा गया आउटपुट पावर की वैल्यू क्या होगी। यहां पर फाइनली जो हमारे पास, मान लीजिए हम कहें कि हमारा जेड टी हमारी प्रोसेस है आउटपुट में, तो इसके लिए पावर की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है, ये चीज। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। अब अगर आप यहां से देखें, यहां तक हमने देख लिया, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये चीज क्या लिखी हुई है हमारी, कॉस ऑफ 2π इंटू 8000 t, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ये कॉस 2π fct है, मतलब जो हम fc की बात कर रहे थे, यहां पर कैरियर फ्रीक्वेंसी fc की हम अगर देखें तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है 8000, ये हमारे पास वैल्यू है 8000 hertz, मतलब आप कह सकते हैं 8 kHz ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो अब अगर यहां से अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो आपने ये देख लिया था कि इस yt की जो psd आएगी, इस yt के लिए psd, ये हमने देख लिया था कि sy of f इसकी वैल्यू कितनी थी 1/4 times, हमने लिखा था s जो भी इनपुट है हमारा x के लिए, sx of f minus fc and plus sx of f plus fc, अभी हमने यही चीज देखी है, जहां पर अब आपको ये पता चल गया कि जो fc हम ले रहे हैं उस fc की वैल्यू कितनी है 8 kHz, ये हमारे fc की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ हमारी, यहां पर अगर आपको sx of f गिवन है, अगर हम इस sx of f को देखें, ये किस शेप का फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर आप अपने जनरल रिप्रेजेंटेशन को याद करें, जब आप ट्रायंगुलर फंक्शन लेते हैं तो वहां पर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखते हैं उसका, a into 1 minus mod of t upon tau, बिल्कुल उसी फॉर्म की चीज है हमारी ये। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि sx of f is equals to 10^-6 into 3000, अगर आप 3000 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म कैसा आएगा 1 minus mod of f upon 3000, तो इसको कंपेयर जैसे ही आपने किया, मतलब आप समझ गए कि हमारा ट्रायंगुलर फंक्शन है a into 1 minus mod of f upon tau, मतलब जिसकी वन साइडेड विड्थ कितनी है 3000 फ्रीक्वेंसी में हर्ट्ज में, मतलब आप कहें 3 kHz। तो अगर आपको ये ट्रायंगल अगर प्लॉट करना होता, तो ये ट्रायंगल कैसा प्लॉट होता हमारा, अगर हम इस sx of f को प्लॉट करते, तो sx of f ये हमारा ओरिजिन पर सेंटर्ड है, अगर यहां पर आपको कोई शिफ्टिंग नहीं दिख रही तो हमने ये ओरिजिन पर सेंटर्ड एक ट्रायंगल शो किया, जिस ट्रायंगल के लिए आपको दिख रही है दोनों तरफ की विड्थ कितनी है 3000 hertz। तो अगर हम यहां पर f दिखा दे इन किलो हर्ट्ज, अगर हम शो कर दे कि अगर हम किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं
तो ये 3 किलोहर्ट्ज तक हमारी ये स्पेक्ट्रम फैला हुआ है, तो यहां पर भी ये -3 किलोहर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड कितनी है इसकी वैल्यू, 10^-6, 3 × 10^-3, तो ये ओवरऑल 3 × 10^-3। ये आपको यहां पीक वैल्यू दिखेगी, ये जो वैल्यू होगी ये 3 × 10^-3 है। तो आप यहां से स्लोप भी देख सकते हैं, इसका स्लोप की वैल्यू हमेशा आपको पता है a अपॉन टाउ। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर हम 3000 टाइम में अगर 3 × 10^-3 चल रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10^-3 आ जाएगी। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर हम ये इंस्टेंट डिफाइन कर दें -1 -2, तो ये -1 पर वैल्यू, -2 पर वैल्यू, ये भी आप यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इवन फंक्शन है तो सेम वैल्यूज कहां पर होंगी, +1 और +2 किलोहर्ट्ज पर भी, ये -1, ये -2, ये +1, ये +2, इन सभी वैल्यूज को आप देख सकते हैं। ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, मतलब आप यहां की वैल्यू देखें या यहां की वैल्यू देखें, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 × 10^-3। यहां की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10^-3। और यहां फाइनली क्या होगी वैल्यू, 3 × 10^-3। तो ये वैल्यूज हमारी, ये वैल्यूज हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये हमारा SX(f) है, हमें आउटपुट जो मिली है वैल्यू, आउटपुट मतलब यहां जो yt का जो हमें मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, 1/4 टाइम्स SX(f-fc) SX(f+fc। अगर ये स्पेक्ट्रम है हमारा SX(f), अगर आप यहां पर ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू f, अगर आप ड्रॉ करें 1/4 टाइम्स SX(f), पहले अगर हम ड्रॉ करते हैं f-fc, अगर हमने इसको fc से हमने अगर इसको डिले कर दिया, जहां पर fc आप पहले ही यहां पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि fc कितनी है आपकी वैल्यू, 8 किलोहर्ट्ज है। तो अगर इस स्पेक्ट्रम को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे 8 किलोहर्ट्ज से, तो जो चीज अभी 0 पर सेंटर्ड है वो कहां पर सेंटर्ड होगी, अब 8 पर सेंटर्ड होगी। तो आपको 8 पर सेंटर्ड, ये 8 किलोहर्ट्ज पर सेंटर्ड आपको ये स्पेक्ट्रम मिला, और दोनों तरफ विड्थ कितनी है इसकी, 3 विड्थ है, मतलब 8 से 3 आगे, तो ये आपको 9, 10, और यहां ये वैल्यू कितनी है, 11 किलोहर्ट्ज। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी आप लिख चुके हैं फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज, इन किलोहर्ट्ज ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहां हम सिर्फ 11 शो कर रहे हैं, अंडरस्टूड इट इज 11 किलोहर्ट्ज। ऐसे ही 8 से 3 पहले, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये भी हम सिर्फ 5 लिख रहे हैं। तो अगर आपने इसको डिले किया एफसी से तो ये स्पेक्ट्रम आपको यहां सेंटर्ड मिला, अगर आप इसको एडवांस करते एफसी से तो यही स्पेक्ट्रम आपको कहां सेंटर्ड मिलता, -fc पर, मतलब ये -8 किलोहर्ट्ज है, ये वैल्यू -5 और ये वैल्यू -11। और जो पीक वैल्यू होती इनकी, ये जो पीक वैल्यू होती, पहले ये वैल्यू 3 × 10^-3 थी, लेकिन अब हमें उसको 1/4 से डिवाइड करना है। आपने यहां पर दूसरा भी स्पेक्ट्रम ले लिया है, उसको भी लिख दीजिए यहां, +SX(f+fc, हमने ये दोनों ही प्लॉट कर लिया, ये हमारा शो कर रहा है SX(f-fc, ये हमारा शो कर रहा है SX(f+fc। वैल्यू को 1/4 से डिवाइड किया, तो बस हम यहां की वैल्यू लिख लेते हैं, जो पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू कितनी है, 3 × 10^-3/4 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लिखना चाहते तो अगर ये 8 है, ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 6 है, तो आप ये वैल्यूज भी समझ रहे हैं कि ये वैल्यू अगर हम देखते 7 पर, ये वैल्यू अगर हम देखते 6 पर, 7 6 देन माइनस, तो 7 पर ये वैल्यू होती है हमारी 2 × 10^-3/4, और 6 पर ये वैल्यू होती 1 × 10^-3/4। ये सभी चीजें आपको पता है। तो अब यहां से अगर हम देखें कि जो हमारे y, इस yt का जो आया, ये हमने प्लॉट कर लिया, SY(f) हमने प्लॉट कर लिया। अब इसको जब हम पास कर रहे हैं एक आइडियल लो पास फिल्टर से, अगर हम कहें इसके लिए, अगर हम देखना चाहते हैं आउटपुट अपना z(t) के लिए SZ(f), तो SZ(f) की क्या वैल्यू होगी, SZ(f) इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ H(ω)2। हम इस बैंड पास फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा H(f) के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू जो हमारे yt जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी, उसको हम लिख लेते हैं SY(f). अब मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं जो हमारे H(f) का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है उसके स्क्वायर से। H(f) आपको गिवन है कि एक आइडियल बैंड पास फिल्टर है, तो आइडियल बैंड पास फिल्टर है जो सेंटर्ड कहां पर है, 8 किलोहर्ट्ज पर सेंटर्ड है, ये आपको बता दिया गया। तो 8 किलोहर्ट्ज, यही फ्रीक्वेंसी हमारी 8 किलोहर्ट्ज, यहां पर हम सेंटर्ड एक अपना फिल्टर बना रहे हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, जिसकी बैंडविड्थ है 2 किलोहर्ट्ज। तो अगर ये 8 किलोहर्ट्ज है, आप अगर 2 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ लेंगे, तो मतलब कहां से कहां तक होगा आपका इसका स्पेक्ट्रम, 7 से लेकर 9 किलोहर्ट्ज के बीच में होगा।
ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, ये हमारी 9 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 5 के बाद ये कहीं 6 होगा, ये यहाँ 7 होगा, तो फिर ये 8 है, तो ये हमारी 7 किलोहर्ट्ज है, ये 7, ये 6, फिर ये 8 किलोहर्ट्ज, तो बस इस बीच का स्पेक्ट्रम हमारा पास होगा, जो हमें ये 7 और 9 किलोहर्ट्ज दिख रहा है, ये 10, तो 7 और 9 किलोहर्ट्ज के बीच में, मतलब आप अगर देखें तो आपको यहां से इतना पोर्शन, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये शेप आपको दिखेगा, ये शेप हमें मिलने वाला है, क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने कह रखा है कि उसके लिए यूनिटी पास बैंड गेन है उसका, 8 किलोहर्ट्ज पर सेंटर्ड है हमारे बैंड पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, बैंडविड्थ 2 है, तो हमने 7 से लेकर 9 किलोहर्ट्ज के बीच में शो किया, वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे ये चीज 8 किलोहर्ट्ज पर सेंटर्ड है, बैंड पास फिल्टर है, यहां पर भी सेंटर्ड है हमारी ये -8 पर, तो -8 से भी 1 पहले और 1 बाद में, मतलब ये -8 है, तो ये -9 और ये -7 किलोहर्ट्ज ये हमने शो किया, तो ये आपको ये माइनस, अगर हम लिख दें -9, ये -10 है कहीं, तो फिर से यहां भी आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, इतना पोर्शन आपका ये पास करेगा, -9 से लेकर -7 के बीच का ये पोर्शन आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलने वाला है, तो फिर से ये वैल्यू कितनी है, 1 है, अगर ये एच ऑफ एफ है, अगर 1, तो इसका स्क्वायर भी अगर हम लेंगे तो स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस स्पेक्ट्रम को, अगर हम इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स से इसको हम यहाँ पर एच ऑफ एफ का स्क्वायर ही शो कर देते हैं, क्योंकि चाहे हम मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ लिखें या मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ स्क्वायर लिखें, दोनों ऐसी ही वैल्यू होगी, तो अब अगर आप इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दोनों जगहों से 7 से लेकर 9 तक की आपको वैल्यूज मिलेंगी, यहां से भी और यहां से भी, तो फाइनली अगर हम यहां पर शो करें तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है विद रिस्पेक्ट टू एफ, हमारे पास ये इस फॉर्म का ये स्पेक्ट्रम मिला है, ये है वैल्यू 7, इट इज 8, ये किलोहर्ट्ज में लिख रहे हैं हम एफ इन किलोहर्ट्ज, तो हमारे पास ये 8, 9 और ये 7, ऐसे ही यहां भी हमारे पास है ये -8, -7 एंड -9, तो अब ये हमारा एस जेड ऑफ एफ है जो हमारा आउटपुट के पीएचडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें अब क्या चाहिए, आउटपुट का पावर चाहिए, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पीक पॉइंट्स हैं, ये पीक पॉइंट्स आपको पता है इज 3/4 × 10⁻³, ये हमने देखिए शो किया है, ये पीक वैल्यू कितनी है 3/4 × 10⁻³, एक पहले देखेंगे एक बाद में देखेंगे तो हमें पता है कि ये पॉइंट अगर 3 है, अगर एक आगे आएंगे या एक पहले, तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा ये 2/4 × 10⁻³, ऐसे ही अगर हम यहाँ -6 पर देखते तो वैल्यू क्या होती, हमारी 1/4 × 10⁻³ होती, ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यू आपकी यहां भी है, तो आपको अगर ये स्पेक्ट्रम मिल गया, आपके पीएचडी की वैल्यू अगर आपको मिल गई है, तो आउटपुट पावर सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, अगर इस पीएचडी के अंदर का एरिया आप फाइंड कर ले, तो इसलिए आपने लिखा पावर इन आउटपुट प्रोसेस जेड इज इक्वल्स टू, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं -∞ to ∞ अपने पीएचडी एस जेड ऑफ एफ को विथ रिस्पेक्ट टू एफ, तो हमें इसका एरिया चाहिए, आपको दिख रहा है कि ये दोनों हमारी आइडेंटिकल पल्सेस है, मतलब जितना एरिया इसमें होगा उतना ही एरिया यहां भी होगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये जो आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है ऊपर, इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया 1/2 × बेस की वैल्यू देखिए 7 से 9 तक, मतलब 2 किलोहर्ट्ज, मतलब क्या लिखेंगे हम 2 × 10⁻³, 1/2 × बेस लिखा हमने 2 किलोहर्ट्ज इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल की, अगर आप देखें तो ये 2/4 से 3/4 के बीच में है, मतलब ये जो हाइट है ये 1 × 10⁻³ है, तो हमने इसको 1 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, यहां से भी अगर हम देखें तो 2 और 2 कैंसल्ड, मतलब ये वैल्यू कितनी मिली हमें, 1 मिल रही है, ठीक है। अब अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, विड्थ इंटू हाइट, विड्थ कितनी है 2 किलोहर्ट्ज, दैट इज 2 × 10⁻³, हाइट कितनी दिख रही है हमें इसकी 2/4 × 10⁻³, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2/4 को, तो फिर से आप देखिए ये भी कैंसल्ड और ये भी कैंसल्ड, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये भी वैल्यू आ गई 1, तो यहां से अगर हम एरिया देख रहे हैं तो इस पार्ट का भी एरिया 1, इस पार्ट का भी एरिया 1, तो टोटल एरिया कितना 1 + 1, 2, तो अगर ये एरिया आ गया 2 और इतना ही एरिया यहां भी है, तो इसलिए इस टोटल एरिया की वैल्यू हमने लिखी 2 × 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 वॉट, ये आपका आंसर है, दैट इज पावर इन आउटपुट सिग्नल।
तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है ये आंसर नहीं भी हो, मैंने इतना चेक नहीं किया, लेकिन ये आनी चाहिए वैल्यू। तो ये आपने जैसे अगर आपने देखा कि आप अगर मॉड्यूलेट कर रहे हैं एक्स टी को, आपने अगर कॉस या साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका पीएचडी क्या होगी, ये वैल्यू 1/4 टाइम्स, और शिफ्टिंग आएगी जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उस कैरियर की उतनी की शिफ्टिंग आएगी, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ये जैसे हमने एक देख लिया, अब अगर इसी में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार, तो बस 5 मिनट्स और ये क्वेश्चन करके फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, और किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हर बार रैंडम प्रोसेस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस कुछ अलग दिख सकते हैं, लेकिन आपको वही थॉट प्रोसेस अपनी जनरेट करनी है। यहाँ पर बस हम कुछ टाइप्स देख रहे हैं, लेकिन आपको समझना है क्वेश्चंस को पढ़कर, और उसके बाद देखना है कि आप किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम्फर्टेबल होंगे, तो आप शुरू कर दीजिए बिल्कुल प्रैक्टिस। ये सिग्नल का सिंपल एप्लीकेशन है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा आपको केयर करना होगा, अदरवाइज ये चीजें आपको आसान लगने वाली। तो नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे पास गिवन है एक्स ऑफ टी इज अ स्टेशनरी प्रोसेस विथ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस एक्स ऑफ एफ ग्रेटर देन जीरो। ये हमें गिवन है कि एक्स ऑफ टी हमारे जो हमारी ये क्या गिवन है हमें स्टेशनरी प्रोसेस है ये हमारी, और विद द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इसकी एस एक्स ऑफ एफ जो हमेशा नॉन नेगेटिव है, डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं है शो, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन शो किया गया आपको, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल ओमेगा, ये आपको गिवन है फॉर ऑल एफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एफ। नेक्स्ट आपसे कहा गया है द प्रोसेस इज पास थ्रू अ सिस्टम शोन बिलो, उसके बाद हम इस प्रोसेस को इस सिस्टम से पास कर रहे हैं, जिसमें यहां पर हमने ये शो किया है डिले इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड्स, ठीक है ये, और यहां से जो वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं इस एडर में, और फाइनली यहाँ का जो रिजल्ट है इसको हम एक डिफरेंशिएटर ब्लॉक से पास कर रहे हैं, डी बाई डी टी हमने इसको एक डिफरेंशिएटर ब्लॉक से पास किया। तो ये आपके गेट 2010 का क्वेश्चन है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो गेट 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये गेट के ही क्वेश्चन के थ्रू हम देखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, इट इज वाई ऑफ, ठीक है, ये y ऑफ t, ये हमारा आउटपुट प्रोसेस है y ऑफ t। तो पूछा गया हमसे कि लेट एस वाई ऑफ बी एफ बी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ y ऑफ t। इसके लिए बताया गया कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एस वाई ऑफ f। तो यहां से पूछा गया हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है एस वाई ऑफ f ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल f। नेक्स्ट आपको गिवन है स्टेटमेंट एस वाई ऑफ एफ इज जीरो फॉर मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन 1 kHz। नेक्स्ट हमें दिख रहा है ऑप्शन है हमारा एस वाई ऑफ एफ इज जीरो फॉर एफ इज इक्वल्स टू एन एफ नॉट वेयर एफ नॉट इज इक्वल्स टू 2 kHz एंड एन एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर, ये हमें सी ऑप्शन में गिवन है। और लास्ट ऑप्शन गिवन है आपको वाई ऑफ एफ एस वाई ऑफ एफ इज जीरो फॉर एफ इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू एफ नॉट
f naught is 1 kilohertz and n any integer. Again n is any integer. ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. तो देखिए हमसे कहा गया है ये x of t प्रोसेस के लिए ये जो हमारी PSD है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है और इसको हम इस सिस्टम से पास करें. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो सिस्टम्स का कैस्केड दिख रहा है. मतलब एक अगर हम इस सिस्टम को देखें तो आपको यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका गेन कितना है. अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कहें तो हम कहेंगे गेन 1 है. या फिर अगर हम टाइम डोमेन में कहें तो सपोज हमने कहा कि इसका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है ये इंपल्स रिस्पॉन्स कितना है, डेल्टी है. या फिर हम कहें कि एच वन ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1. ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस सिस्टम के लिए देखेंगे जो डिले प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 मिलीसेकंड्स. अगर आप चाहते हैं यहां पर आपके पास आप कोई इनपुट अप्लाई करें, इनपुट अप्लाई करें एक्स टी और हमें क्या मिले, एक्स ऑफ टी माइनस 5 मिले. ठीक है, तो इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा. अगर आप मान लें कि यहां पर इसका ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो इनपुट का ट्रांसफॉर्म एक्स एस, आउटपुट का ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा इंटू, मतलब अगर आप लिख रहे हैं इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगी वैल्यू, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो ई टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा और यहां पर ट्रांसफॉर्म कितना है इसका, एक्स ऑफ ओमेगा. तो इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन अगर हम देखेंगे एच ऑफ ओमेगा, तो इसका रेशियो लेना है हमें आउटपुट का ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ई टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा मिलेगी. ठीक है, ये चीज अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते तो, अगर हम इसी को एफ के डोमेन में देखते तो क्या लिखते हम, एच ऑफ एफ की वैल्यू क्या होती, अगर हम 5 से शिफ्ट कर रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ इंटू टी नॉट की जगह पर लिखते हैं हम 5, ये माइनस साइन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इंटू एक्स ऑफ एफ, ऐसा भी आप लिख सकते थे. मतलब ये आपका ट्रांसफॉर्म होता फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा के रिस्पेक्ट में, यहां पर बस आप ओमेगा की जगह पर अगर 2 पाई एफ पुट कर देंगे. तो अगर हम इसको टाइम डोमेन में देखते तो टाइम डोमेन में एक्स टी को आप कन्वॉल्व करेंगे एच टी से और आप रिजल्ट क्या चाहते हैं, एक्स ऑफ टी माइनस 5. तो इसलिए इस एच ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, डेल ऑफ टी माइनस 5 होगी. तभी आप एक्स टी को अगर कन्वॉल्व करेंगे डेल ऑफ टी माइनस 5 से तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एच ऑफ टी माइनस 5. ये सभी चीजें बेसिक्स आपको डिले एडवांसमेंट के लिए पता होती है. तो ये हमारा एच ऑफ टी है, दैट इज डेल ऑफ टी माइनस 5, या फिर हम कहें एच ऑफ ओमेगा, तो ये वैल्यू है ई टू द पावर माइनस जे 5 ओमेगा. ऐसे ही यहां पर आप अगर देखें, ये फिर से आपको एक डिले एलिमेंट अगर दिख रहा है तो यहां से या तो हम लिखें टाइम डोमेन में तो एस टी इक्वल्स टू डेल ऑफ टी माइनस 0.5 मिलीसेकंड्स, या फिर अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहें तो एच टू ऑफ ओमेगा अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू हम कितनी लिखेंगे. अब ये एफ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हर जगह तो हम एफ के ही रिस्पेक्ट में लेकर चलते हैं. ठीक है, तो ये एच ऑफ एफ है, एच वन ऑफ एफ, ये भी हम एच टू ऑफ एफ अगर लिखेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ इंटू 0.5, मतलब अगर आप 0.5 इंटू 2 करेंगे तो ये e टू द पावर माइनस जे पाई एफ है. ठीक है, ये चीज क्या है हमारे पास, e टू द पावर माइनस जे पाई एफ. ठीक है, ये इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है. तो अब आपको दिख रहा है कि अगर आप ये एक्स टी ले रहे हैं और आपको इन दोनों सिग्नल्स, इन दोनों सिस्टम्स में सिग्नल के फ्लो का डायरेक्शन सेम दिखा, तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स कैसे हैं, पैरेलल में. तो आप जानते हैं अगर दो ब्लॉक्स पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, आप इनके ट्रांसफर फंक्शंस का या इंपल्स रिस्पांस दोनों ही केसेस में एडिशन हो जाएगा. इक्विवेलेंट अगर आप इसका लिखना चाहें तो इसी सिस्टम को आप ऐसे शो कर सकते हैं कि आप ये एक्स ऑफ टी नॉइज प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो एच वन टी और एच टू टी था उसके लिए हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं एच वन टी प्लस एच टू टी, इक्विवेलेंट इंपल्स रिस्पॉन्स, या फिर हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन दैट इज एच वन ऑफ एफ प्लस एच टू ऑफ एफ. और इसके बाद जो सिग्नल हमारा आएगा उस सिग्नल को हम पास कर रहे हैं एक डिफरेंशिएटर से. ये हम किससे पास कर रहे हैं, एक डिफरेंशिएटर से पास कर रहे हैं. तो अगर डिफरेंशिएटर के लिए आप देखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन, अगर हम इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन एच थ्री ऑफ एफ लिखें तो हम जानते हैं डिफरेंशिएटर जे ओमेगा का टर्म मल्टीप्लाई करता है. मतलब ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहें जे ओमेगा या फिर आप कहें वन प्लस जे दैट इज जे टू पाई एफ. तो जे ओमेगा को हमने लिख लिया इसका ट्रांसफर फंक्शन जे टू पाई एफ और यहां पर फाइनली हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज वाई ऑफ टी. जिस सिग्नल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है वैल्यू, हमें उसके लिए स्टेटमेंट्स देखने कुछ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज के लिए. ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें तो इस अगर मान लीजिए कि इसको हमने कहा यह हमारा है अगर एच थ्री ऑफ ओमेगा, इसको हम एच थ्री ऑफ एफ मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को,
इसको हम एच फोर मान लेते हैं, इसको हमने एच फोर ऑफ एफ मान लिया। तो अब यहां से आप अगर देखें तो अब ये दोनों सिस्टम्स कैसे हैं, कैस्केड में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो या तो आप इन दोनों का भी इक्विवेलेंट ले लें, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहां से ओवरऑल एच ऑफ ओमेगा अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू एच थ्री ऑफ ओमेगा इंटू एच फोर ऑफ ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज एच थ्री ऑफ ओमेगा ये टोटल कॉम्बिनेशन का ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड विद एच फोर ऑफ ओमेगा। तो यहां से आपको अब ये वैल्यू मिल जाएगी कि अगर आप ये एक्स ऑफ टी अप्लाई कर रहे हैं और यहां ये आपका वाई ऑफ टी, तो अब अगर आप इस ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लें और अगर इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसके लिए आपने एस एक्स ऑफ एफ लिख रखी है, तो इस वाई टी के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस वाई ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ का होल स्क्वायर इंटू एस एक्स ऑफ एफ। तो इस एच ऑफ ये जो हम ओमेगा टर्म्स में लिख रहे हैं, नॉर्मली हम एफ के टर्म्स में अगर चाहते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स हमारे एफ के टर्म्स में गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एफ कंसीडर कीजिए ओमेगा एक्सप्रेशन में कंसीडर कीजिए, दोनों वैल्यूज इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना है कि इस एच ऑफ एफ की वैल्यू एक्चुअल की है कितनी। तो यहां से अगर आप देखेंगे एच थ्री ऑफ एफ, तो इस एच थ्री ऑफ एफ की क्या वैल्यू है, एच थ्री ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एच वन एफ। देखिए यहां से एच वन एफ है हमारा वन और एच टू एफ है हमारा दैट इज ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ, जिसको आपने लिखा इंटू 0.5, तो ये वैल्यू ई टू द पावर माइनस जे पाई एफ। तो एच थ्री ऑफ एफ की वैल्यू है वन प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई एफ, और ये आपका एच थ्री ऑफ एफ है। एच फोर ऑफ एफ की वैल्यू है आपकी ई टू द पावर जे, सॉरी इट इज ओनली जे टू पाई एफ, ये चीज है हमारे पास। तो अब अगर हम ओवरऑल एच ऑफ एफ देख रहे हैं तो ओवरऑल एच ऑफ एफ इनके प्रोडक्ट से हमें मिलेगा। तो एच ऑफ एफ की वैल्यू, इनका प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया, क्या वैल्यू आई, दैट इज वन प्लस ई टू द पावर माइनस जे पाई एफ इंटू जे टू पाई एफ। अब हमें क्या चाहिए इस एच ऑफ एफ का, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम रियल और इमेजरी पार्ट्स को सेपरेट करें तो यहां से क्या वैल्यू दिख रही है हमें, इसको हम क्या लिख सकते थे, वन प्लस ई टू द पावर जे एक्स या ई टू द पावर माइनस जे एक्स को हम कॉस एक्स माइनस जे एस साइन एक्स लिख सकते हैं इसको। तो इसको अगर हमने लिख लिया कॉस पाई एफ इंटू, इट इज कॉस पाई एफ इंटू कॉस, ये हम वैल्यू लिख रहे हैं ई टू द पावर जे एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, तो हमने लिखा माइनस जे साइन पाई एफ। ठीक है, ये चीज, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे टू पाई एफ से। ठीक है, तो देखिए क्या टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, वन इंटू दिस दैट इज प्लस जे टू पाई एफ प्लस जे टू पाई एफ इंटू कॉस पाई एफ एंड माइनस, यहां से देखिए ये माइनस और ये जे इंटू जे इज जे स्क्वायर, उसका भी माइनस, मतलब ये माइनस और माइनस हो गई वैल्यू प्लस, और यहां से क्या वैल्यू हमारी टू पाई एफ इंटू साइन पाई एफ, ये ऐसी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा एच ऑफ एफ है, इसमें आपको दिख रहा है रियल पार्ट, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, टू पाई एफ इंटू साइन पाई एफ, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये दोनों से मिलकर ये जो पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं जे टू पाई एफ एंड जे टू पाई एफ कॉस पाई एफ, ये क्या हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एच ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर दैट इज टू पाई एफ इंटू साइन पाई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर दैट इज इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से जे कॉमन कर लीजिए तो क्या वैल्यू दिख रही है, टू पाई एफ प्लस टू पाई एफ कॉस पाई एफ इस पूरे का स्क्वायर, ये ऐसी वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसका हम क्या ले रहे हैं, अंडर रूट हमें लेना है, तो ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब क्योंकि हमें एच ऑफ एफ के स्क्वायर से मतलब है, हमें एच ऑफ एफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है अपने एस एक्स ऑफ एफ को, इसलिए अगर आप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो एच ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ये तो सिंपली क्या आ गई वैल्यू, टू पाई एफ होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई एफ प्लस, इसके स्क्वायर को अगर हम देखें तो फिर से ये टू पाई एफ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू पाई एफ स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई एफ। ठीक है, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम, टू ए बी दैट इज टू इंटू ए की जगह टू पाई एफ
टू पाई एफ, फिर से बी की जगह भी टू पाई एफ आएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू इंटू कॉस पाई एफ, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो ये वैल्यू आ गई कॉस पाई एफ। अब यहां से अगर आप देखें तो आपको हर टर्म में ये 2 पाई एफ का स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है, तो अगर आप इस के स्क्वायर को कॉमन बाहर कर लें, 2 पाई एफ के स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू देखिए क्या है, ये साइन स्क्वायर पाई एफ, यहां से वैल्यू साइन स्क्वायर पाई एफ, यहां से वैल्यू क्या मिली आपको 1 प्लस, यहां से वैल्यू क्या मिली आपको कॉस स्क्वायर पाई एफ, और प्लस यहां से क्या वैल्यू मिल रही है हमें 2 इंटू कॉस ऑफ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास पाई एफ। ठीक है, ये हमने 2 पाई एफ के स्क्वायर को अगर बाहर कर दिया, तो अब अगर यहां से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर पाई एफ प्लस कॉस स्क्वायर पाई एफ वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 और प्लस 1 मतलब वैल्यू कितनी आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई, 1 प्लस ये वैल्यू 1 मतलब 2, और प्लस यहां से क्या है 2 कॉस पाई एफ, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है फाइनली ये 2 पाई एफ के स्क्वायर, और यहां से ये वैल्यू होती 2 प्लस 2 कॉस पाई एफ, वहां से अगर आप 2 बाहर कर लें तो आपके पास अब ये वैल्यू है 1 प्लस कॉस पाई एफ, ये हमारे पास रिजल्ट है एच एफ के स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एफ का ये हमने स्क्वायर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये चीज अब हमें अगर देखना है आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो हमने लिखा देयरफॉर एस वाई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, इसी में हमें मल्टीप्लाई करना है इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को, तो हमने लिखा हमने 2 इंटू 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पाई एफ इंटू एस एक्स ऑफ एफ। अब देखिए यहां से आपको बताया गया है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब अब जो ये ओवरऑल एस वाई ऑफ एफ जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा या जीरो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो ये चीज तो हमेशा जीरो से बड़ी है, तो अगर ये पूरी चीज जीरो होगी वो तभी जीरो हो सकती है जब ये टर्म जीरो हो। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, तो अगर हम उन स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो हमारे पास यहां से, ठीक है हम यहीं पर लिख लेते हैं, आसानी होगी आपको समझने में भी, तो ये हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई है दैट इज 2 इंटू 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पाई एफ एंड इंटू एस एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट है दैट इज एस वाई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पाई एफ इंटू एस एक्स ऑफ एफ। अब देखिए यहां से फर्स्ट है एस वाई ऑफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एफ, तो सबसे पहले तो हम अगर ये देखें कि ये जो कॉस पाई एफ है, अगर हम यहां से देखें कॉस पाई एफ, ठीक है अगर हम एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से 1f 2f पुट करें तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये -1 और ये +1 वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हमारा ये एस वाई ऑफ एफ जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि एस वाई ऑफ एफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी, सभी एफ के लिए ऐसा नहीं है। 1 प्लस कॉस पाई एफ जो आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर 1 प्लस कॉस पाई एफ की वैल्यू जीरो होगी तो आपका आउटपुट जीरो आ सकता है। फिर यहां से अगर हम देखें कि अगर हम लिख रहे हैं, अच्छा यहां से ये 0.5 मिली सेकेंड है, ठीक है, तो इसलिए अगर आप यहां पर देखें तो सिर्फ पाई एफ नहीं आएगा, ये जहां भी हमने लिखी है ये वैल्यूज, क्योंकि आप जो डिले ले रहे हैं तो जो आपने डिले प्रोड्यूस किया था जिसकी वजह से ये ई टू द पावर माइनस जे पाई एफ का टर्म आया था, तो वहां पर आपने ऐसे लिया था ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ इंटू टी नॉट, और टी नॉट की जगह हमने 0.5 बस पुट किया था, हमें पुट क्या करना चाहिए था 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पुट करनी चाहिए थी वैल्यू, तो ये वैल्यू जिसको हम सिंपली ई टू द पावर माइनस जे पाई एफ लिख रहे हैं एक्चुअली वो वैल्यू जे पाई एफ के साथ क्या है मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर माइनस 3 भी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास टर्म्स हैं जहां भी हमने ये वैल्यूज लिखी हैं, इस डिले की वैल्यू को लिखा हमने जहां, तो ये कॉस पाई एफ हो या साइन पाई एफ हो इन दोनों में 10 टू द पावर माइनस 3 का भी टर्म है, उसको आप लिख सकते हैं यहां पर, हमने अगर मिस किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहां लास्ट में रिजल्ट में उसको काउंट कर लेंगे, तो हमने यहां पर लिखा कि ये जो रिजल्ट है हमारा
ये साइन स्क्वायर पाई एफ इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री होता, ये भी कॉस स्क्वायर पाई एफ इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री होता, लेकिन उनका सम अभी हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन ही आएगा, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉस पाई एफ है तो एफ इंटू यहाँ पर ही हम लिख देते हैं टेन टू द पावर माइनस थ्री, तो ये आपका रिजल्ट है वन प्लस कॉस पाई एफ इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री। यहाँ भी आपका रिजल्ट है इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू एस एक्स ऑफ एफ, ठीक है ये चीज। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट है That is cos pi f into 10 to the power minus 3 sx of f। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हम f की वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज दें, 2 किलो हर्ट्ज दें, 3 किलो हर्ट्ज दें, तो हमारे पास ये टर्म्स बनेंगे cos 1 पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई। तो अगर cos में ऑड नंबर्ड वैल्यू आई पाई का इंटीजर में, जैसे cos 1 पाई या cos 3 पाई या cos 5 पाई, तो ये वैल्यू होगी माइनस 1 और ये माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगी वैल्यू 0। यहां से जो साइन है हमारा, ये साइन एक बार हम चेक कर लेते हैं साइन में कोई मिस्टेक ना हो, तो ये वैल्यू हमारी, यहाँ साइन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये साइन हमारा बीच का साइन पॉजिटिव है। तो अब यहां से हमने देखा कि ये पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है कि एस वाई ऑफ एफ इज जीरो फॉर ऑल एफ। हम इसको रॉन्ग इसलिए कह सकते हैं अगर हम देखें एट एफ इज इक्वल टू, अगर हम ले लें वन किलो हर्ट्ज, एफ अगर हमने वन किलो हर्ट्ज लिया तो उस केस में एस वाई ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो गई, टू इंटू टू पाई इंटू एफ की जगह 1 किलो हर्ट्ज हम पुट कर देंगे, यहां वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, बस इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इंटू 1 प्लस कॉस एफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 किलो हर्ट्ज इंटू 1 मिली, तो ये वैल्यू हो गई 1 कॉस 1 पाई की वैल्यू माइनस 1 इंटू एस एक्स ऑफ एफ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। इसलिए हमने कहा कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, कि हमेशा ही एस वाई ऑफ एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये बोला गया कि एस वाई ऑफ एफ इज जीरो फॉर मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 1 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 1 किलो हर्ट्ज, अगर हमने ले लिया एट एफ इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 हम ले लेते हैं 2 किलो हर्ट्ज, अगर हमने 2 किलो हर्ट्ज ले ली फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में एस वाई ऑफ एफ की क्या वैल्यू आएगी, इट इज 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 के 2 किलो हर्ट्ज स्क्वायर इंटू, यहां से वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कॉस पाई इंटू एफ की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एस एक्स ऑफ एफ। तो यहां से देखिए, अब ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसल्ड, यहां से आपको मिला टर्म कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई इज प्लस 1, प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 2, और 2 इंटू ये चीज, तो ये हमारा जो रिजल्ट है, क्योंकि ये एस एक्स ऑफ एफ आपका कभी भी 0 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस ओवरऑल रिजल्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम f की वैल्यू 2 किलो हर्ट्ज लेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमें आउटपुट में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल रही है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये टर्म, अब ये टर्म हमारा हो गया प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गई वैल्यू 2, तो हमें दिख रहा है 2 इंटू नॉन जीरो वैल्यू, तो ये टर्म हमारा 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट 2 है ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या लिखा गया है, एस वाई ऑफ एफ इज 0 फॉर एफ इज इक्वल्स टू एन एफ नॉट, ठीक है, f की जगह जब हम क्या पुट करें, n f नॉट पुट करें, और f नॉट की वैल्यू कितनी है 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर हम f नॉट की वैल्यू अगर हम ले n इक्वल्स टू 1 और f नॉट की वैल्यू हम ले 2 किलो हर्ट्ज, तो उस केस में f जिसकी वैल्यू होनी थी n f नॉट, वो f की वैल्यू कितनी मिली 2 किलो हर्ट्ज मिली। तो अभी हम 2 किलो हर्ट्ज का रिजल्ट तो हम देख चुके हैं, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f की वैल्यू हम 2 किलो हर्ट्ज पुट करेंगे, अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो n ऑफ नॉट हम कितना पुट करेंगे 4 किलो हर्ट्ज। तो इस 2 किलो हर्ट्ज के लिए तो ऑलरेडी हम रिजल्ट अभी देख चुके हैं कि हमारे एस वाई ऑफ एफ की वैल्यू 0 नहीं है, या भी हमने देखा कि एस वाई ऑफ एफ हमारा 0 नहीं है फॉर 2 किलो हर्ट्ज, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया कि यहां पर बोला गया एस वाई ऑफ एफ 0 होगा अगर हम कभी भी एफ 2 किलो हर्ट्ज का इंटीजर मल्टीपल लें फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 किलो हर्ट्ज लें या 4 किलो हर्ट्ज लें। तो अभी हमने चेक किया कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब अगर हम यहां से देखें ये लास्ट ऑप्शन कि एस वाई ऑफ एफ इज 0 फॉर एफ इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू एफ नॉट। अब अगर आप ले रहे हैं यहां से एक लास्ट केस देख लीजिए, इसमें आपको गिवन है दैट इज ये जो लास्ट केस है हमारा कि अगर आप एफ नॉट एफ की वैल्यू n इंटू एफ नॉट लेंगे जहां पर एफ नॉट आपका 1 किलो हर्ट्ज है। अब उसके केस में बोला गया है कि हमेशा ही हमारे आउटपुट पीएचडी की वैल्यू 0 होगी। तो आप बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं कि ये रिजोल्यूशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन सही होना है, ऑप्शंस रॉन्ग हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये जो लास्ट ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। अगर आप एफ इज इक्वल्स टू पुट कर रहे हैं एन एफ नॉट,
जहां पर f नॉट कितना है 1 किलोहर्ट्ज। मतलब जो f की वैल्यू होगी हम कहां पर देखना चाहते हैं, 1 इंटू एफ नॉट मतलब 1 किलोहर्ट्ज पर, या हम ले 2n प्लस 1 आपसे बोला गया है, इट इज f इज इक्वल्स टू इट इज 2n प्लस 1 इंटू एफ नॉट। तो अगर हम n 0 लेंगे तो हमें क्या मिला, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिली। n अगर हम 1 लेंगे तो 3 किलोहर्ट्ज, 2 लेंगे तो 5 किलोहर्ट्ज। इनमें से किसी पर भी आप अगर चेक करें तो इन फ्रीक्वेंसी पर, जैसे अगर हम 1 किलोहर्ट्ज पर तो चेक कर चुके हैं, 1 किलोहर्ट्ज पर क्या आंसर था, 0 था। आप कोई भी अगर ऑड वैल्यू लेंगे 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज के मतलब 3 किलोहर्ट्ज, तो आप यहां से फिर से क्या देखेंगे, यहां पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, आपने अगर मान लीजिए 3 किलोहर्ट्ज लिया तो 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3, मतलब ये आपको टर्म मिलेगा cos 3 pi, cos 3 pi की वैल्यू फिर से minus 1, तो ये minus और ये plus 1 0, तो product में आ गया, मतलब sy of f क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर इस केस में हम देखेंगे sy of f की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी 2 into 2 pi into f की जगह लिखा हमने n f not, इसका स्क्वायर ये जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन यहां जो टर्म आएगा हमारा वो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस में जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू आएगी माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1 इंटू एस एक्स ऑफ एफ। तो क्योंकि ये चीज 0 है इसलिए इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0, और इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका ये डी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो ये आपका डी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो थोड़े क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक चीज बस 5 मिनट और टाइम ले लीजिए, एक बस चीज हम जो शायद डिस्कस हमने अगर नहीं की है तो उसको देख लेते हैं, दैट इज मार्को प्रोसेस। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए उसमें, थ्योरी क्वेश्चंस इससे आ सकता है क्योंकि, तो अगर हम डिफाइन करें मार्को प्रोसेस, ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल का जो आउटपुट आने वाला है वो उसके जस्ट पहले टाइम इंस्टेंट पर जो वैल्यू आई थी हो सकता है उससे कंडीशनड हो, मतलब उस पर डिपेंड करता हो सकता है सिर्फ पहले वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रहा हो सकता है उससे दो पहले जितनी वैल्यूज आई थी उस पर डिपेंड कर रहा हो। तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल अगर हम लिखें कि इफ आप लिखें अकरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स n, random variable xn is conditioned on previously occurred values, ऐसा possible है कि कुछ cases में हमारा जो x of n random variable की value आने वाली है, हो सकता है वो जिससे पहले random variable की value आई x of n minus 1 या x of n minus 2 उन पर उनकी dependency हो। तो अगर आपके पास ऐसा केस है कि अगर आप ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, लेट्स से हमने उसको नाम दिया एफ सी से, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है आपका ये, दैट इज एक्स ऑफ एन फॉर गिवन एक्स ऑफ एन माइनस 1, एक्स ऑफ एन माइनस 2 अप टू जितने भी अभी तक हमारे उसके आउटकम्स आ चुके हैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल हो जाए एफ सी के इंटू एफ सी के ऑफ एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ n माइनस 1, एक्स ऑफ n माइनस 2 अप टू एक्स ऑफ n माइनस k। देखिए यहां पर हमने इसको एंड नहीं किया, मतलब अगर हम ये पहले देख रहे हैं कि अभी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है अगर वो कंडीशन है उसके पहले जितनी भी वैल्यूज आ चुकी हैं उन सब पर कंडीशन है, तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि x ऑफ n की प्रोबेबिलिटी जबकि इससे पहले क्या क्या वैल्यूज आई हैं x ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज इससे पहले आ चुकी हैं, तो अगर सभी के आने के साथ इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, अगर ये प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए सिर्फ अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ प्रीवियस आउटकम्स को देख रहे हैं x ऑफ n माइनस k तक ही बस हम देख रहे हैं यहां पर, तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि जो x ऑफ n है वो आपकी एक मार्को प्रोसेस है ऑफ ऑर्डर k। तो यहां से आप लिखेंगे देन इफ, ये आपने लिखा देन एक्स एन, इसको अब हम अगर इस सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब अब ये टाइम का फंक्शन है तो हम इसको रैंडम प्रोसेस कहेंगे, तो हम कहेंगे कि दिस एक्स एन इज सेड टू बी मार्कोव प्रोसेस ऑफ ऑर्डर के।
देखिए अब हम यहाँ पर फिर से समझ लीजिए क्या कहा हमने कि अगर अभी कोई रैंडम वेरिएबल एक्स एन की हम अगर एक्सेप्ट उसके लिए प्रायोरिटी हम देख रहे हैं तो अगर हम ये एक्स एन की प्रायोरिटी देखें किसको एज्यूम करके कि इसके पहले जस्ट पहले क्या वैल्यू आई थी उसके जस्ट पहले क्या वैल्यू आई थी ऐसे हम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक देख लें कि अभी तक जितने भी आउटकम्स आ चुके हैं अगर उन सभी आउटकम्स की वैल्यू को डिफाइंड कर दिया जाए कि पहले ये चीज़ें आ चुकी हैं तो अब क्या प्रायोरिटी है कि यहाँ पर एक्स एन की कैसी वैल्यू आएगी। अब अगर वो प्रायोरिटी बिल्कुल इक्वल हो जाए अगर आप ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लेकर अगर आप सिर्फ डिपेंडेंसी कितने टर्म्स तक ले लें अगर जो प्रीवियस के आपके आउटपुट्स आ चुके थे आउटकम्स आ चुके थे रैंडम वेरिएबल के अगर आप सिर्फ उन फाइनाइट एन आउटकम्स को अगर कंसीडर करें और तब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज अगर सेम हो जाएं तो ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हैं इट इज मार्को प्रोसेस ऑफ ऑर्डर के। ठीक है ये चीज। अब जैसे यहां से आपसे अगर बोला जाता देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस यहां से फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए क्या होता फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए ये जो चीज हम लिख रहे हैं एफ सी ऑफ दैट इज एक्स एन फॉर गिवन एक्स ऑफ एन माइनस वन एक्स ऑफ एन माइनस टू इसको आप कैपिटल लिखिएगा एक्स ऑफ एन माइनस टू एंड सो ऑन। अगर ये चीज सिंपली एफ सी वन ऑफ एक्स एन फॉर गिवन एक्स ऑफ एन माइनस वन के बराबर हो जाए मतलब इसके पहले जितने भी आउटपुट्स थे उन सब की उन सब पर कंडीशन नहीं है अब अगर एक्स एन की वैल्यू सिर्फ कंडीशन है किस पर जस्ट प्रीसीडिंग जो वैल्यू थी इसकी एक्स ऑफ एन माइनस वन तक तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है हमारा एक्स एन अब ये प्रोसेस कैसा है मार्को प्रोसेस है किस ऑर्डर का ऑर्डर वन का क्योंकि हमने सिर्फ एक टर्म लिया। ऐसे ही अगर आपको ऑर्डर टू बोला जाता दैट इज सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस अगर हम देखते सेकेंड ऑर्डर मार्को प्रोसेस तो यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है सेकेंड ऑर्डर के केस में ये वैल्यू हमारी एफ सी टू तो सी टू है मतलब एक्स एन फॉर गिवन एक्स ऑफ एन माइनस वन एंड एक्स एफ एन माइनस टू यहां पर हमारी डिपेंडेंसी एन माइनस वन और एन माइनस टू तक होती। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर डिफाइन करें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम देखें फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस देखिए यहां पर हम एक और स्पेशल पहली चीज तो कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं कि अ क्लास ऑफ मार्को प्रोसेस दैट इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड वैल्यू मार्को प्रोसेस। तो अगर हमने एक ऐसा क्लास डिफाइन किया दैट इज डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू इसका मतलब जो एक्स एन हमारा आउटपुट आ रहा है वो टाइम में डिस्क्रीट नेचर का है वो प्रोसेस और इसके साथ साथ उसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो वो अटेन कर सकता है वो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज भी हमारी क्या हो फाइनाइट हो तो आप ऐसे प्रोसेस को आप नाम देंगे डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट वैल्यू मार्को प्रोसेस और इसी को आप नाम देते हैं और अल्टरनेटिवली इसको आप नाम देते हैं और मार्को चेन आप इसी को आप नाम देते हैं मार्कोव चेन। मतलब अगर आपका कोई डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू मार्को प्रोसेस है मतलब जो डिस्क्रीट है टाइम में और जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज भी क्या हो फाइनाइट हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हैं मार्कोव चेन। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर हम एक मार्कोव चेन देखने वाले फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव चेन तो फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव चेन के लिए आप अगर मान लें ऐसा कि अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें अगर देखना है कि एक्स एन की वैल्यू आए साई जे अगर हम कहें कि एक्स एन की वैल्यू साई जे आए जबकि हमें ये पता है फॉर गिवन एक्स ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू कैसी थी अगर ये साई आई थी अगर हम क्या देख रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव चेन है मतलब फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव प्रोसेस है मतलब उसमें जो वैल्यूज होंगी वो डिस्क्रीट और फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। मतलब आप अगर कहें कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर हम कहें कि x1, x2, x3 या हम कहें साई वन साई टू साई थ्री अप टू साई क्यू तक ही हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो डिस्क्रीट हैं तो उसके लिए आपने ये चेन डिफाइन किया तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव चेन देख रहे हैं तो उस केस में एक्स एन इक्वल्स टू साई जे एक्स ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू साई आई अगर प्रीवियस आउटकम हमारा साई आई था तो अब जो नेक्स्ट आउटकम होगा वो साई जे हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो इस प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे भी लिखते हैं सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ साई जे फॉर गिवन साई आई तो जहां पर ये जो आई और जे हैं ये वैल्यूज वैरी कर सकती है फ्रॉम वन टू क्यू अगर हम मान लें कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है मतलब वन से लेकर क्यू तक ये वैल्यूज वैरी कर सकती है साई वन साई टू साई थ्री से लेकर साई क्यू ऐसे यहां भी
I की जगह पर भी आप 1 से Q तक पुट करेंगे। तो यहां पर हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन, कि प्रीवियस जो स्टेट था वो साई आई था और जो नेक्स्ट स्टेट है वो अगर हमारा क्या है साई जे है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन को आप डिफाइन करते हैं एक मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर आप ये भी लिख दें, यहाँ पर ये समझ रहे हैं आप, ये साई जे क्या है, एक्सएन की वैल्यू है, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सएन, और साई आई क्या है, पॉसिबल आउटकम्स फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ एन माइनस वन। ये दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं। आप अगर एक प्रोसेस को देख रहे हैं, आपने टाइम एन पर देखा वो एक रैंडम वेरिएबल है, टाइम एन माइनस वन पर देखा वो एक रैंडम वेरिएबल है, एन माइनस टू पर देखा वो एक रैंडम वेरिएबल है। लेकिन उन सभी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कहां से आएंगी, जो सैंपल स्पेस है आपका, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके सैंपल स्पेस में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग उन xn या xn माइनस वन की कोई एक वैल्यू आएगी। तो अगर आप यहां पर देखें कि ट्रांजिशन टेबल अगर आप डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टेबल या प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आप डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जे, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी आई जे के नाम से लिखें या सिंपली इसको हम पी आई जे लिखें, अगर ऐसे पी आई जे, तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज पी वन वन, पी वन टू, पी वन थ्री, अप टू पी वन क्यू। देखिए अब यहां से क्या लिखा है हमने, ये पी आई जे है, मतलब आप कहें इसका मतलब क्या है, ये पी आई जे का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ साई जे अपॉन साई आई, साई जे फॉर साई गिवन साई आई है। मतलब अगर हम कहें कि x ऑफ n माइनस वन में वन आया था, तो अब x ऑफ n में वन आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या हम कहें कि हमारे पास जो x ऑफ n माइनस वन का आउटपुट था अगर वो साई वन था, तो अब जो x ऑफ n का आउटपुट आएगा वो साई टू हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से हमने ये जो लिख रखा है ये हम फिर से यहां पर आइडेंटिफाई कर देते हैं, कि अगर हमने लिख रखा है पी वन टू, तो इसका मतलब है कि आउटकम ऑफ x ऑफ n माइनस वन वॉज साई वन, देन प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम ऑफ एक्स एन विल बी साई टू। ये समझ रहे हैं, अगर यहां जो पहला सबस्क्रिप्ट है ये बता रहा है कि x ऑफ n माइनस वन इस रेंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू आई, तो उसको हम अगर वन लिख रहे हैं मतलब साई वन है, हमने इसके आउटकम्स को क्या नाम दिया साई जे और साई आई से नाम दिया अगर हमने, तो ये वन बता रहा है कि अगर x ऑफ n माइनस वन रेंडम वेरिएबल की वैल्यू साई वन थी, तो अब जो रेंडम वेरिएबल x ऑफ n की वैल्यू आने वाली है वो साई टू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये भी पता है कि ये जो x ऑफ, हम जो भी रेंडम वेरिएबल लिख रहे हैं, n माइनस वन लिखें या x ऑफ n लिखें, इन सब में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, इन सभी की पॉसिबल वैल्यूज हैं साई वन, साई टू, साई थ्री, अप टू साई क्यू, इनमें यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि चाहे हम ये एक्स एन की बात करें या एक्स एन माइनस वन की बात करें, एक्स एन माइनस टू की बात करें, सब में यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक्स एन माइनस वन की वैल्यू साई वन आई थी, तो एक्स एन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू साई टू आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसे ही यहां पर आपने अगर लिखा वन वन, तो मतलब एक्स एन माइनस वन की वैल्यू वन थी साई वन, एक्स एन की भी वैल्यू साई वन हो क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू वन थी एक्स एन की वैल्यू साई टू हो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब अगर हम ये कहें कि एक्स एन माइनस वन रेंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी थी, मतलब अगर वन थी साई वन थी, तो अब उस साई वन के साथ एक्स एन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। अगर देखें कि हम कहें एक्स एन माइनस वन की वैल्यू हमारी साई वन थी, हमने साई वन फिक्स कर दिया कि एक्स एन माइनस वन हमारा साई वन था, अब इसके साथ भी जो एक्स एन रेंडम वेरिएबल आएगा उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि वैल्यू यही होनी है, साई वन होगी या साई टू होगी या साई थ्री होगी, अप टू कहां तक होगी ये वैल्यू होगी साई क्यू तक। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि साई वन था पहले एक्स ऑफ एन माइनस वन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, एक्स ऑफ एन की वैल्यू भी इसमें से ही कुछ आएगी, इसलिए अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कर दें, इस पूरे रो का अगर हम सम कर दें, तो इस पूरे का सम क्या मिलेगा हमें, वन मिलेगा। फिर से समझ लीजिए क्या बात की हमने, कि अगर एक्स एन माइनस वन की वैल्यू अगर साई वन थी, उसके साथ नेक्स्ट जो एक्स एन आएगा उसमें इसी में से तो कोई एक चीज आएगी कि या तो उसका आउटपुट साई वन होगा या साई टू होगा या साई थ्री होगा या अप टू साई क्यू होगा, इन्हीं में से कोई एक चीज होगी। तो अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, तो ये टोटल सम कितना मिलना चाहिए, ये टोटल सम हमें, इस पूरे का हमें जो सम मिलना चाहिए वो ये सम हमें कितना मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने ले लिया पी टू वन, मतलब एक्स एन माइनस वन में आउटकम था साई टू और उसके साथ एक्स एन में आउटकम क्या आ जाए साई वन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर हम यहां लिखें पी टू टू, पी टू थ्री, अप टू पी टू क्यू।
फिर से देखिए, xn माइनस वन में टू कंफर्म है, आया था, उसके बाद xn में चाहे वन आएगा, चाहे टू आएगा, चाहे थ्री आएगा, लेकिन इन्हीं में से q तक में से कोई एक वैल्यू आएगी, तो फिर से अगर आप इस सभी पूरे रो को सम कर लें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। तो ऐसे अगर आप देखें तो हमारे पास p1, p2 ऐसे ही xn माइनस वन की भी वैल्यू क्या रही होगी, साई वन से लेकर साई क्यू के बीच ही कोई वैल्यू रही होगी। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल आपका आपकी रो आएगी वो क्या आएगी, पी ऑफ क्यू इन क्यू वन पी क्यू टू पी क्यू थ्री अप टू पी क्यू क्यू, ठीक है ये चीज। तो आप फिर से देखें तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी आपको, वन मिलेगी। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप नाम देते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो यहां से आप अगर देखें इस मैट्रिक्स को लेकर आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो पहली चीज कि ये चीज पी आई जे, ये जो आप लिखते हैं पी आई जे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ये पी आई जे मैट्रिक्स हम देख रहे हैं जहां पर हमने पी आई जे की सारी पॉसिबल वैल्यूज हमने लिखी हैं। यहां पर हमारा इस अगर हम देखें कॉलम में, तो कॉलम में हमारी जे की वैल्यू वेरी कर रही है वन से लेकर जे इज इक्वल्स टू टू, जे इज इक्वल्स टू थ्री अप टू, यहां पर हमारी जे की वैल्यू क्यू है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आई की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज इक्वल्स टू टू अप टू आई इज इक्वल्स टू क्यू तक। तो अब अगर हम देखें तो पहली चीज की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं सभी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें, अभी जैसे हमने ये बात की कि इसके सभी रोज का जो सम है वो सम कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें समेशन फॉर, अगर हम इसको सम कर रहे हैं, मतलब अगर हम ले रहे हैं जे इज इक्वल्स टू वन टू क्यू पी आई जे, तो अगर हम आई की वैल्यू को फिक्स कर दें, जैसे यहां पर आप देखिए अगर आपने आई की वैल्यू को फिक्स कर दिया तो पी वन वन पी वन टू पी वन थ्री इन सबका जो सम होगा, इन सबका सम अगर क्या हो, अगर ये वन हो, तो इस मैट्रिक्स को फिर उस केस में हम नाम देते हैं मार्कोवियन मैट्रिक्स, मार्कोव मैट्रिक्स और स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो अगर ये चीजें फॉलो होती हैं रिलेशन, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, देन दिस मैट्रिक्स और ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज नोन एज स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, इसको फिर हम स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स नाम देते हैं। अब अगर इसके साथ साथ अगर हमारी कॉलम्स के भी सम का, अगर आपके सभी कॉलम्स का भी सम क्या आने लगे, अगर वन आए, तो फिर उस केस में आप इसी मैट्रिक्स को डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स नाम देते हैं। अगर सिर्फ रोज का ही सम जीरो वन ना हो, अगर आप इसमें से कोई भी कॉलम लें और अगर उन कॉलम्स का भी सम आपको, हर कॉलम का सम अगर वन दिखे, तो हम कहते हैं कि हमारा डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है। तो अगर हमने लिखा कि इफ समेशन फॉर, अगर हम आई इज इक्वल्स टू वन टू क्यू ले रहे हैं पी आई जे, मतलब अब हमने जे को फिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए जे की वैल्यू आपने फिक्स कर दी थ्री पर, आई की वैल्यू को वन से लेकर क्यू तक अगर हम वेरी करें, तो P13, P23, P33 अप टू PQ3 सबका सम भी अगर हमें क्या मिले, अगर 1 मिले, तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो ये चीजें मार्कोव प्रोसेस के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मली यही चीजें प्रॉपर्टीज इतनी थ्योरी क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज आप यहां पर और डिफाइन करते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, तो उसको भी बस मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर्स। तो आप यहां लिखते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर। इन्हीं तीन टर्म्स में हमारा मार्कोव प्रोसेस डिफाइन होता है, मार्कोव चेन। फर्स्ट आपने जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखी है, और फिर उसके बाद जो आपने रोज का सम कहा, कॉलम्स का सम कहा, और उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर अगर डिफाइन करते हैं, इसको नॉर्मली आप पाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी वन एन पी टू एन पी थ्री एन अप टू पी क्यू एन। मतलब हम अगर हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, ये कॉलम वेक्टर हमारा, हमने अगर ये डिफाइन किया कि एन टाइम पर
हमारे जो xn की जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, मतलब हमने मान लिया कि आउटकम है 1, तो उसकी n टाइम पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबल आउटकम 2 की n टाइम पर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इन सब के फॉर्म में अगर आपने ये वेक्टर डिफाइन किया तो इसको हम नाम देते हैं पाई एन, दैट इज स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर। तो अगर हम यहां से इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर देखें, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर दैट इज फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, अगर हम एन इक्वल्स टू जीरो टाइम पर अगर देख रहे हैं तो उस केस में पाई जीरो से डिफाइन होती है चीज, दैट इज probability of outcome 1 at n equals to 0, probability of outcome 2 at n equals to 0, up to probability of outcome q at n equals to 0. तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये इनिशियल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर कहलाता है। तो ये हमने कुछ प्रोसेसेस रिलेटेड हमने बात की, फिल्टर्ड नॉइज प्रोसेस को देखा आपने, आउटपुट की PSD कैलकुलेट करना या आउटपुट का पावर कैलकुलेट करना, आउटपुट का कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करना, सभी चीजें ईजी हैं। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने वर्कबुक के क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे तो उसको आप प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम जितना बन पाए, उसके बाद जो भी नहीं बनेंगे तो उनको नोट डाउन करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एक दो कमेंट्स मैंने देखे हैं DTFT से रिलेटेड, मुझे ऐसा याद आ रहा है 12 और 26 ऐसा कुछ नंबर आपने किसी ने बोला था, तो डेफिनेटली मैंने उनको देख लिया वो कमेंट्स, मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं उनको सॉल्व करवा दूँ वो क्वेश्चन, या आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं आंसर कर दूँ। तो थोड़ा सा आप कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो दिसंबर से, मतलब ये जो नवंबर एंड आ गया आपका, अभी से लेकर गेट तक के लिए जितनी भी आपको मेरी रिक्वायरमेंट होगी एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, जैसा भी आपको लगे मोटिवेशन के लिए या फिर आपके कंटेंट के लिए, जितना भी पॉसिबल होगा बिल्कुल, अब हम साथ में हैं गेट एकेडमी, ये लास्ट टाइम में आपको पूरा बूस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर आप रेडी हैं तो हम भी आपका साथ देने के लिए बिल्कुल अब रेडी रहेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।